बताओ जो गवर्नेंस में कितनी क्लास हुई? 8-9। क्लास नंबर हमारी 9। और हम पढ़ रहे थे पिछले वाली क्लास में, हमने पढ़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये तो पढ़ा हमने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हो। और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो यानी निगमित शासन जिसे कहते हैं, क्या हो निगमित शासन? पढ़ लिए सब हम, निगमित शासन क्या हो अच्छी तरह तुम जानते हो, समझ में आया। अब आज हम पढ़ क्या हो, पहले एक बार निगमित शासन की परिभाषा बता दो भाई, क्या हो निगमित? अच्छा, निजी शासन के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेहिता लाने के लिए निगमित शासन कॉरपोरेट गवर्नेंस लाया गया। अच्छा, यानी पब्लिक कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए तो RTA है, और जो प्राइवेट कंपनियां हो ना उन पर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक, उन्हें जवाबदेही बनाने के लिए, उनके अंदर पारदर्शिता लाने के लिए भी एक संकल्पना, नई अवधारणा विकसित हुई, उस अवधारणा का नाम हमारी कॉरपोरेट गवर्नेंस है। यही तो मतलब। अब कॉरपोरेट जो गवर्नेंस है इसकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता कैसे बनी हुई, आज हम इस पर बात करने वाले कि वर्तमान समय में इसकी महत्ता क्यों बढ़ती चली जा रही, क्या वर्तमान समय में इसकी रिलेवेंसी है, अगर इसकी प्रासंगिकता है तो फिर किस तरह किस हद तक बनी हुई और क्या आगे तक इसकी जरूरत है वर्तमान समय में, इसकी ऐसा क्यों देखा जा रहा है वर्तमान समय में। अभी तुम्हें उदाहरण देता हूँ, जैसे वर्ष 1991 के बाद हमारे यहाँ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम हुए, आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम के पश्चात वर्ष 1991 के पश्चात पॉइंट में लिखवाने वाले, पहले समझ लो अच्छी तरह, फिर तुमसे सुने जाने वाला कि वर्तमान समय में जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है इसके अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस इसकी महत्ता क्यों बढ़ती चली जा रही, जिस तरह जो प्राइवेट है ना प्राइवेटाइजेशन तेजी के साथ होता चला जा रहा, तो जो प्राइवेट कंपनियां ना इन्हें भी जवाबदेही होना चाहिए किसी न किसी के प्रति, इसलिए एक नए शासन की आवश्यकता होगी, उस शासन को हम कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस एक प्रकार की व्यवस्था हो है कुछ नहीं, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है ना इसे रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि एक समय था 80 के दशक तक पहले जब 80 के दशक तक पहले जो समाजवाद था वो ज़्यादा हावी था, उसका वर्चस्व था भारत के अंदर, उसका वर्चस्व था। आज भारत के अंदर, भारत की नहीं पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आज इसकी डिमांड है कॉरपोरेट गवर्नेंस की, इसलिए गवर्नेंस एक प्रकार का नया लेटेस्ट टॉपिक है, ये इसलिए चर्चाओं में क्यों, ताकि बड़े बड़े घोटाले ना हो। वर्ष 1991 के बाद जैसे तुम्हें पता LPG मॉडल आया भारत के अंदर, भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में क्यों भारत पूरी दुनिया में ना, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर ना पूंजीवाद का प्रसार तेजी के साथ उभर रहा, कहीं भी चले जाओ अब सारे बाजार न पूंजीवादी बाजार होते चले जा रहे, सारी अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवाद की ओर बढ़ रही, समझ में आया, भारत भी तो पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा। भारत की भले ही संविधान की प्रस्तावना के अंदर भले ही हमने समाजवाद लिख दिया हो, तो ऐसा समाजवाद लिखने हम समाजवादी नहीं बन जाते, हमने ये भी तो कहते हैं जो भी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका क्या मतलब हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था, कि हम समाजवाद को समाजवादी रास्ते पर चलते हुए पूंजीवाद को प्राप्त करेंगे, जब पूंजीवाद को प्राप्त करेंगे इसका मतलब सब चीज़ों को हम प्राइवेट कर देने वाले होंगे, यानी हमारे यहाँ हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ में आया बात है। इसे पूर्ण अमेरिका बनाओगे तो पूर्ण अमेरिका जब भी बनता होगा वो जब इसे यहाँ पूंजीवाद जन्म लेगा, और जो पूंजीवाद है ना वो तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा, समझ में बात, उसकी चादर दिन प्रतिदिन लंबी होती चली जा रही पूंजीवाद की। लेकिन हो सकता है हमें इस भविष्य में इस बात का भी डर है कि सब ना इस पर भी नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई सत्ता होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए एक नई संकल्पना उभर आती है सामने, उस संकल्पना का नाम ही कॉरपोरेट गवर्नेंस, समझ में आया बात या क्या बताई जा रही। मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहूँगा तुम्हें, जैसे भारत के अंदर, चलो भारत की अगर बात करो तुम तो पहले देखो HTL, हाँ कुछ कंपनी मेरे पास नाम है HIL ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, इसके अंदर जबरदस्त मात्रा में घोटाला हुआ, बंद होगी, प्राइवेट कंपनी थी, जब प्राइवेट होगा वो पूंजीवाद होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद मेरे पास एक और मैं तुम्हें बताता हूँ, अमेरिका में घोटाला और फेमस है, एनरॉन कंपनी का घोटाला, तुम गूगल से जाकर सर्च कर लेना, इसके बारे में पढ़ लेना, समझ ही बात है, क्योंकि मेंस में जितना रिलेवेंसी होगी मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, मैं घोटाला तो तुम्हें बता नहीं सकता किस चीज़ को लेकर हुआ था, लेकिन घोटाला हुआ था, समझ, अमेरिका का एक घोटाला नाम है एनरॉन, मेरे पास दूसरा घोटाला ऑस्ट्रेलिया का HIL और OneTel, ये कुछ कंपनी है जिनके अंदर जबरदस्त मात्रा में घोटाला हुआ, ये वैश्विक कंपनी थी। अब मैं कुछ भारत की कंपनी का नाम बता रहा हूँ तुम्हें, ये तो बहुत फेमस है, 2008 का यूट्यूब पर डाल के पढ़ना, सत्यम घोटाला, पूरी दुनिया में फेमस है सत्यम घोटाला 2008 का, इससे एक भी लोग अचूक नहीं है, बस तुम्हें ही नहीं पता, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, जब तुम अपने नोट्स के अंदर लिखे रहोगे घर जाकर रिवाइज मार रहे हो, चलो गूगल कर लेते हैं या फिर यूट्यूब पर देख लेते हैं सत्यम घोटाला क्या हुआ था, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, अगर तुम इन पर नियंत्रण करना चाहते हो, इनकी लगाम कसना चाहते हो, तो इसके लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिलेवेंसी वर्तमान समय में बढ़ती चली जा रही है। तो फिर ना भारत के अंदर पता क्या हुआ, जब इतने बड़े बड़े हम घोटाले देख चुके थे पहले ही, तो भारत के अंदर भी जो बड़े बड़े घराने थे नए घरानों का जन्म हुआ, वे नए घराने ना पुराने वाले से ज़्यादा बेहतर थे,
और इनका मानना था जो नए घराने आए, घराने मतलब कॉरपोरेट घराने, कॉरपोरेट घराने मतलब अंबानी अडानी, मतलब बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, पूंजीवादी लोग, ये जब अस्तित्व में आए ना, तो इनका मानना था कि भारत के अंदर ना जब बड़े बड़े नए घराने विकसित होंगे तो इन पर भी लगाम कसने के लिए, इन पर भी लगाम कसने के लिए क्या होना चाहिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, ये इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इनका मानना था जो नए नए घराने आए अस्तित्व में। पुराने वाले भी इनसे सीख ले चुके थे, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए थे। ये प्राइवेट सेक्टर की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना चाहते हो, नियंत्रित करना चाहते हो, उस पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाना चाहते हो, तो कॉरपोरेट जो गवर्नेंस होगा ना उसकी रिलेवेंसी वर्तमान समय में बढ़ती चली जा रही, उसकी प्रासंगिकता लगातार बढ़ती चली जा रही, उसकी महत्ता बढ़ती चली जा रही, समझ में आया बात या? और इसका कोई इसका जीता जागता उदाहरण ना आप देख सकते हो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर घोटाला हुआ, वनटेल कंपनी के अंदर, HIL, दो घोटाले याद रखना ऑस्ट्रेलिया के, एक तो HIL और दूसरा वनटेल कंपनी के अंदर, समझ में बात या? अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तुम तो गूगल जाओ, सब चीज़ मौजूद है, लगन होनी चाहिए, समझ में आया। दूसरे नंबर पर अमेरिका के अंदर एनरॉन कंपनी का घोटाला हुआ, ये सारी प्राइवेट कंपनियाँ थी, पूंजीवादी कंपनियाँ थी, समझ में आया बात या? क्यों हुआ सारा घोटाला? इसलिए हुआ क्योंकि कॉरपोरेट गवर्नेंस नहीं आता। तो बताओ अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस होता, इनके अंदर भी जवाबदेहिता और पारदर्शिता होती, अब इतना बड़ा घोटाला होता तो बताओ इसकी वर्तमान समय प्रासंगिकता बढ़ती चली जा रही, क्यों बढ़ती चली जा रही? भारत के अंदर 1991 के बाद पूंजी जो वाद है, पूंजीवाद जैसी विचारधारा अपने पहनने पसारती चली जा रही, ऐसे समझ। आज भी जिसे भी देखो ना पूंजीवाद की बात कर रहा है, सोचा मैं ये कह दिया कहता है मैं तो अपना खुद का काम जोड़ूंगा, ये खुद का काम, खुद मतलब निजी और निजी मतलब प्राइवेट, प्राइवेट मतलब पूंजीवाद, उसका दिमाग मेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए, खुद का मतलब बिजनेस होना मतलब क्या होगा, मतलब निजी, निजी मतलब प्राइवेट, प्राइवेट मतलब पूंजीवाद, यानी पूरा भारत पूंजीवाद की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मैं भी यहाँ तुम्हें क्लास में ना पूंजीवाद के तहत जबरदस्त मात्रा में इकोनॉमिक्स में लेक्चर दे रहा हूँ तुम्हें, दिया नहीं मैंने कहा इन यहाँ ना जब तक पूंजीवाद जन्म नहीं लेगा समाजवादी विचारधारा में सब चीज़ सरकार के हाथों में होगी, जब सरकार के हाथों में सरकारी नौकरियाँ ज़्यादा होगी और सरकारी नौकरियाँ इतनी बड़ी जनसंख्या को दे पाना संभव नहीं, असंभव होगा। तो अब ना हमारे यहाँ जो पूंजीवाद जैसी विचारधारा जिसका कार्ल मार्क्स खंडन करते हैं, ऐसी विचारधारा का कार्ल मार्क्स खंडन करते हैं, इसे कहते हैं पूंजीपति लोग है ना ये बहुत खतरनाक कमीने लोग, इनसे ना जो पैसा इनके पास इनसे छीनो, और जो गरीब वर्ग है ना निचला वर्ग, ठीक नीच वर्ग जिसे बोलते हैं निचला वर्ग, ये श्रम श्रमिक वर्ग इनमें बांट दो क्योंकि इनके पास इनकी संपत्ति, समझ आई बात है। लेकिन वो गलत भी नहीं आते, जब भी तो हमने इन पर नियंत्रण करने के लिए CSR के तहत हम 3 साल की नेटवर्थ का आज भी 2% हिस्सा ही तो बताया था, 2% हिस्सा आज भी सोशल कार्य के अंदर खर्च करते हैं, समझ में आई बात है। तो वही तो है इसका मतलब, इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बात बताइए कि कॉरपोरेट गवर्नेंस इसकी वर्तमान समय प्रासंगिकता क्यों बननी चाहिए, वो भी भारत के अंदर, हर चीज़ को वर्ल्ड स्तर पर पढ़ने के बाद ना आना घूम फिर के भारत में, यही UPSC की पहचान है, समझ में बात है। उसे देखेंगे हम ये क्या भारत के अंदर कुछ नया बदलाव ला सकती है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो कहीं भी देख रहे हो तुम, अगर वो भारत के अंदर बड़ा बदलाव ला सकता हो इसका मतलब तुम्हारे काम का वो पॉइंट थी, वो लाइन ही, चाहे तुम PTA का कोई सवाल ही पढ़ रहे हो, अगर उसका इम्पोर्टेंस है ना किसी लाइन का भारत के अंदर, जैसे मैं एक सवाल एक लाइन पढ़ रहा था, इम्पोर्टेंट बताता हूँ, आर्ट एंड कल्चर की किताब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी, वैसे अगर मैं लिख दूंगा ना इस लाइन को, यहाँ लिखा हुआ था मानव के आरंभिक विकास में इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पुरापाषाण युग यानी पूरा पुराना पत्थर काल कहा जाता था। तो मैंने सोचा बताओ इतना पुराना युग था, मैं इस लाइन को पढ़ा, फिर मैंने देखा साइड में क्वेश्चन बैंक रखा हुआ था, सेम इसी लाइन को इसे उठाकर ना UPSC में सवाल पूछा हुआ, सेम लाइन पूरी युग की थी, मुझे को पता लगा, फिर मैं इस लाइन को दूसरी बार पढ़ा, क्यों पढ़ा, जब मैंने क्वेश्चन देखा ना तब मैं इस लाइन को दोबारा आया, तो मुझे समझ में आया क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब तक क्वेश्चन बैंक नहीं ना तब तक तुम इस तरह दौड़ोगे जैसे आँख पर पट्टी बांध दी हो, समझ में आई बात है। अब आँख पर पट्टी बांधा हुआ इंसान ठीक वो नाटक में तो उसी पकड़ जिस तो प्रेम कर, समझ में आई बात है, तो यहाँ नाटक नहीं चल रहा, समझ आई बात, यहाँ UPSC तैयारी चल रही, ठीक कि आँख बंद कर दी, आँख पर पट्टी बांध दी, अब वो आँख पर पट्टी बांध के खेल लेंगे उसे, यही मेरे प्रेम है। तो ये जो प्रेम है ना, प्रेम रति और राम रति, ये दोनों खो जाए UPSC तैयारी है, समझ में आई बात है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, समझ में आया ठीक, मतलब क्या है प्रेम कौन है, सिलेबस बुक है किसी के पास, देखो बुक है ये सिलेबस वाली बुक मंगाई तुमने मंगाई बुक, तो क्या पढ़ोगे तुम, तेनों ली मंगाई तुम्हारी आई, तुम्हारे पास नहीं बुक है, तुम्हारे पास भी नहीं है, तेरे पास नहीं है बुक, बढ़िया शाबाश वेरी गुड, तेरे पास भी नहीं है बुक, वेरी गुड शाबाश, ये मतलब क्या पढ़ रहे हो तुम, पढ़ लो कितना ही पढ़ लो किसी लायक नहीं है, यो मैं तो यहाँ बैठा हुआ, मैंने यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहा, मैं तो यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहा है, छात्र पता कैसा हो, साइड में क्वेश्चन खोल कर बैठा हुआ,
क्वेश्चन खोल कर बैठा हूँ, मेन सारे क्वेश्चन है जो भाई जी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सेम क्वेश्चन है वहाँ सेम लाइन से। तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा था, दो बुक पढ़ चुका, हवाई नहीं आई मुझे, फिर समझ ना सवाल कहाँ था आ रहा, मेरे नोट्स तो सवाल नहीं है, फिर दिमाग खटक चुका, मैंने कहा मैंने क्या नहीं पढ़ा ऐसा, क्या चीज़ मिसिंग है। अच्छा देखा इलेवंथ क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रखी, देखा क्या सेम लाइन का सवाल रखा, सेम लाइन सवाल की, मैंने कहा हो इसकी कमी रह गई, तब समझ में आया सवाल आ कहाँ था रहा, समझ में आया। फिर मार्केट गए, फिर बुक लेकर आया, इतना बात बताओ समझ में आया नहीं है। तो वर्तमान समय में आप बताओ कि क्या कॉरपोरेट गवर्नेंस की प्रासंगिकता बढ़ती चली जा रही, नहीं इसकी महत्ता बढ़ती चली जा रही, क्या वर्तमान समय में इसकी जरूरत है, क्यों इसकी जरूरत, क्योंकि जो पूंजीवाद है ना तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा, ये सुन लो ठीक। तो वर्तमान तो इसलिए तो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में लाया, क्यों लाया, आने वाले टाइम पर ना पूंजीवाद है ना उसकी विचारधारा इस तरह फैल चुकी होगी जैसा अमेरिका के अंदर पूंजीवाद की विचारधारा फैल चुकी वर्तमान समय के अंदर, ये सर नो समझ, तो इसकी जरूरत होगी जब तो ले गए हम यूपीएससी के सिलेबस में, 2013 के बाद नहीं जोड़ा सर, 2013 से पहले नहीं आता, जब मैं तुम्हारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पढ़ा रहा हूँ ना, ये कॉरपोरेट गवर्नेंस इसके सामने बस एक ही चीज़ जुड़ जाएगी चौथे पेपर में जाकर, उसका नाम हो जाएगा एथिक्स, उसके अंदर कहेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस या निगमित शासन नैतिकता, बस एक चीज़ जोड़ो नैतिकता भाई, ये चौथे पेपर में पहुंच जाएगी, यानी यहाँ पढ़ रहे तुम दूसरे पेपर का, लिखोगे तुम चौथे पेपर में। मैं अब भी कह रहा हूँ जितना सोर्स होगा, जितना सोर्स होगा मतलब छोटा चीज कंटेंट होगा और वो मल्टीपल रिवाइज होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, जितना कम नोट्स होगा और मल्टीपल रिवाइज होगा ज़्यादा बेहतर होगा, समझ में आए, नहीं तो पढ़ते रहो ऐसे पढ़ोगे पता कैसा, जैसे आँख को क्या बांध दियो पट्टी बांध दियो, फिर किसे ढूंढ रहे हो, अपने महबूब को ढूंढ रहे हो, फिर गाना गाओगे मेरे महबूब कयामत, महबूब तो 5 साल बाद आ रहा है पंचवर्षीय योजना बना के ऐसे बजब, फिर पता चला गया इंटरव्यू गायब चला गया, फिर इंटरव्यू में आ गए फिर मेंस में आ गए, ऐसे बजब महबूब कितने साल बाद आ रहा है, 5 साल बाद ठीक। तो मैं नहीं चाहता कि तुम अगली जो पंचायती राज संस्था के चुनाव तुम गाँव में देखने को मिले, सही बात, मेरा मानना अगली पंचायती राज में जो चुनाव होंगे ना उसमें तुम्हारा भाव विभोर तरीके से स्वागत होना चाहिए, कैसे तरीके से स्वागत होना चाहिए तुम्हारा, ये मेरा मानना। तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, तो देख लो पढ़ना किस तरह क्या क्या पढ़ना, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना, और इसलिए पढ़ना ताकि तुम लिख सको ठीक, पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, दिमाग के अंदर कंटेंट को रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही नहीं रख पाता बच्चा, और वो भी लाइन टू लाइन रट जाओ बस, जो एक बार नोट्स है ना तुम्हारे पास घर बैठ कर कम से कम 3-4 बार दिन में रट्टा मारो उसका, लिखने की कला खुद ही विकसित हो जाने वाली, माता के पेट में कोई नहीं सीख पाया, हम भी नहीं सीख पाए, कक्षा 5 मतलब 6-7 में रहा होगा, मेरी मम्मी मुझे वहाँ लेके जाती थी, एक बाबा रहा करते थे बाबा, तो बाबा का उस टाइम में प्रचलन था, वे रहा करते थे स्टेशन के पास, तो वहाँ ले जाया करते थे, तो मैं रिक्शा में बैठा हुआ पीछे एक आसपास बोर्ड पढ़ते हुए जाता था, बोर्ड पढ़ते हुए आदत है मेरी, वही मैं जब कहीं बैठता हूँ खाली नहीं बैठता मैं बिल्कुल, मतलब एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल इंसान हूँ मैं, अगर मैं यहाँ बैठा हुआ अभी ना तभी अभी मैं बैठे बैठे तुम्हारे पर परीक्षण कर रहा आए समझ में, सुन लो पहले ध्यान लगा, तो बैठा बैठा बोर्ड पर एक ही बात पढ़ी थी मैंने वहाँ, इंसान वहाँ बोर्ड लगा था बहुत अच्छा, सारी चीज़ें पढ़ता जाता था, इंग्लिश सीखेंगे 7 मात्र 60 घंटों में बोलना, ऐसे ऐसे बोर्ड पढ़ने जाता था, सागर दवा खाना जरूर आना, ऐसे समझ ऐसे ऐसे बोर्ड गुप्त रोगी मिले फलाना, मतलब ऐसे ऐसे बोर्ड में पढ़ने पूरी आदत थी, सुन लो ध्यान लगाएगा। तो एक चीज़ बहुत अच्छी मिली मुझे वहाँ रास्ते में, उस पर लिखा हुआ था इंसान जन्म से मान नहीं होता कर्म से मान होता है, वो बात मेरे दिल पर लग चुकी। अच्छा मैंने थोड़ा सा उसको सोचा, मैंने पढ़ा दो जन्म से, यानी जन्म से कोई महान नहीं है, किसी इंसान को ग्रेट बनना हो ना जन्म से तो ग्रेट बन नहीं सकता, ये कोई आया नहीं जन्म से, पक्का नो कर्म होते हैं, यानी कर्मों को प्रधानता दी गई, अगर हम उस चीज़ को किस्मत पर छोड़ देंगे तो इंसान मेहनत करना छोड़ देंगे, अब कहने लगे मेरी किस्मत नहीं आया था इसलिए मुझे मिला नहीं, तो ये ऐसे नहीं कह सकते तुम्हारी किस्मत में नहीं आता, जो वहाँ लाइन लिखी हुई थी ना अटूट सत्य थी, वह मुझे बाद में जाकर पता चला कि हिंदुओं का कोई त्यौहार होगा उसमें इस तरह करके लाइन लिखी हुई थी और हिंदू धर्म में ऐसे बताया गया, चलो कुछ तो अच्छा मिला कि इंसान जन्म से मान नहीं होता कर्म से मान होता है, तो कर्मों पर ध्यान दो ना, समझे वो कैसे, तुम कल आज गए घर जाकर तुमने जबरदस्त तरीके से मेहनत करी, सबसे जबरदस्त तरीके से मेहनत करी, तुमने जी जान लगा दी, कल आए काम चेक करा टेस्ट दिया 6 नंबर चले आए, तो कर्म से मेहनत कर्म से मान होगा, मैंने बढ़ाई कर दी तुम्हारी उठाएगा, चलो मस्त पढ़ दिया लड़की यार गजब का पढ़ दिया, तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का, तो कैसे मैं मानूंगा जन्म से कि कर्म से, कर्म से। तो ये खास बात है भाई, पढ़ लो।
छोटी छोटी बातें सीख के इंसान आगे बढ़ता चला जाओ। चले, और इतना ही नहीं, जो आजकल के समय में ना, चलिए तो पहली बात बताई मैंने, तुम लिखाऊंगा मैं इसका इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस मतलब महत्ता, मतलब महत्व, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ बिना सिलेबस के तुम नहीं पढ़ सकते। मैं भी कह रहा हूँ सिलेबस सामने रखो, एक साल पूरा लिखो, जितना तुम्हारे अंदर दम हो, पूरा जी जान लिखने पर लगा दो। हर टॉपिक को तुम्हारी कमांड होनी चाहिए, हर चीज़ का तुम्हारे पास नोट्स होना चाहिए, सिलेबस साइड में रखा होना चाहिए, तुम्हारे पास गवर्नेंस है, चलो नोट्स है, GS2 के जितने सिलेबस है उसके अंदर सबको तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ तो खुद से नोट्स बनाना चाहिए। और सही बार बार मल्टीपल रिवाइज, जब भी मेंस का क्वेश्चन लिखना हो अपने नोट्स मत देख कर लिखना। अगर तुम नहीं प्रतिक्रिया अपना ली और लिख दिया तुमने इस तरह करके, एक साल तक लिख दिया तुमने, तो तुम्हारा रैंक लगने वाला, ये एग्जाम तुम्हें बुला रहा, तुम्हें आत्मा की तरह भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दूसरे एग्जाम के बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है, जाओ ठीक। अगर तुम रेगुलर हो, हकीकत बता रहा हूँ तुम, अगर तुम्हें लिखने का अप्रोच तुम्हारे पास वो बन चुका तुम्हारा, ठीक ठाक लिख लोगे तुम, बस नियमितता बन रही, बच्चा टिक ही नहीं पाता, एक साल तक नियमित तरीके से पढ़ नहीं पाता, हो उसका टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, उसे भांति भांति प्रकार की ना, ये समाज है हो, ये बहुत बुरी तरह आकर्षित करता, मुझे आकर्षित कर लिया, तुम तो कौन सी चीज़ हो, ये मुझे पी चुका, कैसे अट्रैक्ट माहौल, राजनीतिक माहौल, 20 लोग मेरे पास आए, मुझे 22 कर दिया उन्होंने, बैठा बैठा कर ऐसा कहा कि ऐसा लग रहा कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसे लग रहा मुझे, मुझे रात सोचा शांति के साथ पढ़ कर कर क्या रहा, वैसे से दूर दूर तो कोई रिश्ता आता ही नहीं आता, ऐसा लग रहा कि मुझे कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, समझ आई बात है, क्यों, क्योंकि मैं 20 लोगों ने वही चीज़ दिखाई। फिर मुझे समझ में आया अगर मैं 20 लोगों के संपर्क में नहीं आता तो कितना बेहतर रहता, बहुत सारा टाइम बच जाता, समझ में आया बात, तब समझ में आया, तो सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, कर क्या रहे, इतना हार्ड नहीं है, है आसानी, उठाकर जो पिछले हिंदी मीडियम के टॉपर है ना उन्हें सुना करो, उसने क्या क्या पढ़ा था, एक टॉपर को एक दिन में जरूर सुना करो, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, आधा आधा करके सुनो, पूरा सुनो उसे लास्ट तक, वो तुम्हारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इंटरव्यू देखना, उसका पर्सनैलिटी देखना, सिर्फ और सिर्फ जिसको वही बात बता रहा हो, 2022 का, 2022 का सुनो, पक्का 100% तुम लिख कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे उस पर, और अमल करने की कोशिश करो, उसे कहा क्या उसने कंटेंट, और हर टॉपरों का एक ही मैंने कहना, जितने मैंने टॉपर को सुना एक ही कहना, हर सब्जेक्ट का केवल एक ही नोट्स होना चाहिए, उसे कई बार रिपीट और रिविजन होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का एक ही नोट्स होना चाहिए और रिपीट और रिविजन होना चाहिए। अब बच्चे जितना भी मेंस लिख रहा ना, सारा मेंस पता कहाँ से लिख रहा हो, उसके पास सब सब्जेक्ट का इस तरह नोट्स बना हुआ, गवर्नेंस तो गवर्नेंस, एडिटोरियल पढ़ेगा ना, एडिटोरियल में कोई टॉपिक दिखा दिया वहाँ, वहाँ यार नहीं कि भी ससन आया ना कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर आया, एडिटोरियल नहीं पढ़ने वाला, ना ना एडिटोरियल का सुन लगा बस, एक दो लाइन लिखा उसमें से, खास खास करके अपने नोट्स तक पहुँच जाएगा, उसका क्वेश्चन उतारेगा वहाँ तक, अपने नोट्स में देख लेना स्टार्ट कर देगा, यानी इसका मतलब अपने नोट्स की रिवाइज कर रहा हो, समझ में आया बात, पढ़ने का तरीका कहाँ, कैसे पढ़ना। अब जब तक ये सिलेबस नहीं पूरा हो जाता ना इस तरह, तब तक तुम इसके पीछे दौड़ना, चाहे तुम्हारा एक साल बीत रहा चाहे डेढ़ साल बीत रहा, और ये बीत रहा ही नहीं, पक्का भी करना है, समय पक्का भी करना, इसलिए क्या पढ़ने का टाइम टेबल हमेशा फिक्स होना चाहिए, इतना बात बताओ समझ में आया नहीं, ठीक भाई। अक्टूबर चला गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर तक तुम्हें ये सब्जेक्ट पूरा कर देने, जो मेंस के कौन कौन से तुम बता रहा हूँ मैं, मेंस के कौन कौन से, एक तो इंटरनल सिक्योरिटी, उसका क्वेश्चन आना नहीं आना साथ साथ, इसके बाद वो भी पढ़ाने वाला हूँ, जिस थर्ड में काम आएगी, जिस थर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स में दिसंबर तक पहले सब समाप्त कर दूँगा, इकोनॉमिक्स पूरी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी में पूरी समाप्त कर दूँगा, समझ वाली बात है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, भारतीय समाज तथा उसकी विशेषताएँ, सोशल जस्टिस और जो भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी जिसे बोलते हैं, ये कुछ मेन्स के सिलेबस हैं, इसे ख़त्म करके एक तरफ रख देने, समझ में आया बात है। उसके बाद पढ़ो पीरी का कंटेंट, फिर से पीरी का पेपर सामने वाले आने वाला है ना 6-7 महीने, फिर पढ़ो सी सैट को, कम से कम 6 महीने इंग्लिश पर, मैथ पर, रीजनिंग बिताओ, जबरदस्त तरीके का मैथ बनाओ, उससे क्या होगा तुम किसी भी पेपर में बैठने वाले होंगे, किसी भी पेपर में इंग्लिश वहाँ आनी तय है, बड़े पेपर में इंग्लिश हो नहीं सकता, आती नहीं, इतने तुम छोटे नहीं हैं कि मैं तुम्हें समझाऊं और तुम सीख नहीं सकते, समझ में आया बात है। ए भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होने वाला, मैथ पर जो प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब चीज़ हो जाती है, जो प्रैक्टिस करने बैठते हैं, मैथ भी इतना हार्ड नहीं है, रीजनिंग बताओ पिछले साल लोग पेपर के सवाल निकाल दो, सी सैट एक तरफ पक्का, उसका भी नोट्स बनकर तैयार हो चुका, नहीं आ रहा तो बनाओ, खुद बनो, खुद पढ़ो, अगर ठीक
बना के पढ़ा के तरफ करो, बार बार रिवाइज रिवीजन, तो अपने पेपर का इंतजार करो कब पेपर देने वाले हो। तब जब भी पेपर दोगे ना, सिर्फ एक ही बार पेपर देना और ऐसा देना इतिहास रच देना, ना तो कोई दिया था ना देगा, इंतजार होना चाहिए। जब तक तुम्हारा पेपर होगा ना, तब तक तुम्हारा आंसर राइटिंग ब्रांड बन चुका होगा ना। एक साल का बहुत गहरा आघात पहुंचे बच्चों के मस्तिष्क पर। ये एडिटोरियल न्यूज़पेपर पढ़ना ये बच्चे के मस्तिष्क को नया बना दे, समझ आई बात है। जब बच्चा हिंदू पढ़ रहा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा, इंडिया के टॉप मोस्ट अखबार में तुम घर में बैठ कर पढ़ रहे हो, समझ, वो देख रहा कि चल क्या रहा आजकल दुनिया में, उन तो रूबरू हो रहा। और कितना सिलेबस है जिसमें हम अभी अनभिज्ञ, जिसके में जानकारी नहीं है, कितना कुछ है दुनिया में सीखने के लिए। इतने इनोवेटिव होने चाहिए तुम। और UPSC में कुछ नहीं पूछता, चीज़ों का एप्लीकेशन पूछ, वो कभी नहीं पूछने का कि तुमसे कि हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी क्या है, उसका साइंस नहीं पूछने का, हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी का यूज क्या है, उपयोग बता, समझ आई बात है। तो चीज़ों का एप्लीकेशन पूछ, तो UPSC कुछ नहीं है, UPSC इज द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट का सिर्फ एप्लीकेशन। और लोग क्या PCS क्या है, तो PCS पे कंसेप्ट, समझ आई बात है। तो कंसेप्ट का एप्लीकेशन UPSC मेरे अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द UPSC कंसेप्ट, द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट। ये एक प्रकार का अनुप्रयोग है, जो तुमने सीखा ना उसकी जो टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास थी उसका उपयोग कैसे करना। अब उसने तुम पीढ़ी का क्वेश्चन उठा देखोगे, उसने पूछ रखा है ड्रोन का उपयोग कहाँ कहाँ हो, उसने तो उड़नी थोड़ा ही पूछा है कि ड्रोन कैसे बनाया जाता है, कौन सी तकनीक से बनाया, कौन सी कंपनी बनाया, दूर दूर तक किसी कोई रिश्ता नाता नहीं है उसका। जो ड्रोन के उपयोग कहाँ कहाँ 2018 में सवाल पूछा है, 20वें सवाल पूछ लिया ड्रोन के कहाँ कहाँ उपयोग हो, उपयोग पूछ रहा चीज़ों का, अनुप्रयोग और उपयोग पूछ रहा, तो वो कैसे पता लगने वाला। क्वेश्चन बैंक साथ होना चाहिए, ऐसा एक भी दिन ना हो जिस दिन उसका क्वेश्चन देखा हो, क्वेश्चन को पढ़ कर उसकी शब्दावली समझ कर अपने दिमाग में लाएगा, ये तो दिमाग चलाना बच्चा से दूर भागता पाया जाएगा, समझेगा। देखो कितनी सुविधा दे रखी है, SC ST वालों को तो इतनी छूट है, वे पूरी जिंदगी एग्जाम दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, समझ में आई बात। OBC वालों को 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, OBC वाले 8 अटैम्प्ट, और जनरल वाला 6 अटैम्प्ट दे सकता है कोई, ठीक। इसलिए जनरल वालों ने पूरा एफर्ट लगाकर तैयारी करो, सब कुछ छोड़ देने वाला हो। SC ST वाला पता आप अटैम्प्ट दे सकते हैं, 5 दे, 6 दे, 10th नहीं क्या, कभी सोचा UPSC ने 6 अटैम्प्ट क्यों दिए, 6 क्यों दिए, एक ही क्यों दिया उन्होंने जनरल वालों को, कि उन्हें भी पता ना ये एग्जाम इतना हल्का नहीं है, आया समझ में। 6 साल तो पहले निकलने वाला नहीं है, समझ में आवा दिया, 1.5-2 साल में किसी का निकलता, जब 1-2 साल में पेपर देगा ठोकर खागा फिर अकल आ गई ना, ये तो फैल हो चुका, पूरे साल भर में तैयारी करा था, नोट्स भी बनाया था, फिर दूसरी बार जाएगा दमखम लगाएगा, फिर इंटरव्यू बाहर आएगा, फिर तीसरी बार जाएगा, समझ में आई बात है। क्योंकि UPSC वालों को भी पता कि इस एग्जाम इतना आसान नहीं है, समझ में आया। अगर तुम नहीं लिख सकते, तुम्हारी सिलेबस समझ नहीं है, लेकिन बुद्धि बहुत हो जाने वाली, भूखे तो नहीं मरने वाले, मैं पहले ही कह रहा था, नॉलेज बहुत होगी, किसी घर में बैठ कर बर्तन तो नहीं मांझने वाले, इतने मैं गारंटी दे रहा हूँ, समझ में आई बात है। बर्तन मंजवा दोगे खुद, ठीक, मैडम भी बन जाओगे ना तभी भारी भरकम रकम छेदोगे, ठीक है। लेकिन मेरा मानना कि जिस एग्जाम की तैयारी करने आए ना, तो एग्जाम क्लियर होना ही चाहिए, जिंदगी में एक प्रयास होना, इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि तुम जिंदगी में कभी मलाल ना रहा, कि तुम इसे मेहनत नहीं कर पाए थे, एक उद्देश्य तो ऐसा होना चाहिए। कोई नहीं चाहता मेरी पॉपुलरिटी पूरे भारत के अंदर, सब चाहते हैं ऐसा समझो, लेकिन त्याग कोई नहीं करना चाहता। स्वामी विवेकानंद क्या कहता, बेटा बिना त्याग के फल की प्राप्ति करना असंभव, समझ पाया बात है। कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि मेरी पॉपुलरिटी हो, लेकिन मेहनत भी तो नहीं कोई करना चाहता। गांव के एक बच्चे का मन, दो चार बच्चे का नाम बता दो जो ठीक ठाक तरीके से एजुकेशन ले रहे हो, सब इसी में इनकी गतिविधियों में लिप्त, कुछ है ही नहीं, खोखला कर दिया, बुक पढ़ना किसी को शौक नहीं, हम तो देखो आज बुक खरीद के लेकर आ रहे, मैं तो आज बुक पढ़ता हूँ, जब भी तो इतना सारा बोल लेता हूँ, मैं तो काफ़ी दूरियाँ बना रखता हूँ मोबाइल फ़ोन का, मैं तो घंटों घंटों नहीं ऑनलाइन जाता, समझ में आएगा, काम ही नहीं है मेरा कुछ, दूरी रखता हूँ, जब तक बुक के तुम खरीद नहीं जाए, बच्चे ने बुक पढ़ना छोड़ दिया ना,
जो बुक पढ़ना छोड़ देगा ना उसको तबाह हो जाएगा वैसे, ज़्यादा खराब आती है। जैसे बुक तो पहले ये सारा कंटेंट पढ़ने के बाद फिर बुक ही पढ़नी, तो वो भी स्टैंडर्ड लेवल वाली, अभी रेफर नहीं करनी। तुम क्या सोच रहे हो जो मैं कंटेंट पढ़ा तुम उसे पढ़ कर सिलेक्शन हो जाएगा? क्वेश्चन लिख सको तुम सिलेक्शन नहीं होने का सर। जो माइंड अप्रोच उसे चाहिए ना वो बुक पढ़ने के बाद आएगा। लेकिन सब मेरी रणनीति किस तरह पढ़ना, कहाँ कहाँ से पढ़ना वो हम सब बताएंगे। तुम कहाँ से पढ़ना, कॉपी पेस्ट बंद करो, इधर का ठा इधर चिपका दिया, उधर का ठा इधर चिपका दिया, ये काम चलने वाला नहीं है। यूपीएससी में बुक पढ़नी पड़ती है, वो बताया जाएगा कब पढ़नी, सही समय कमाने वाला। और तुम ये सोच रहे कि एक डेढ़ साल के अंदर तुम्हारा कुछ हो जाने वाला, तो सॉरी टू से यू आर रिसीविंग द रॉन्ग एड्रेस, तुमने गलत एड्रेस प्राप्त कर लिया। समझ आई बात है? एक डेढ़ दो साल इसमें कोई महत्व नहीं होता। जब जब खप जाने इंसान, जब 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 अंदर से तू भी जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रात दिन लगा रहता, एक सारे काम छोड़कर सब कुछ त्याग देगा एक चीज़ पर, तो अंदर तक नहीं हीन भावना आने लगती है। शुरू के जो पहला अटैम्प्ट दोगे ना तुम, कोई होगा तरह एक कोई बहुत सीधा छड़ा, देखो जिसका दूर दूर तक किसी के साथ कोई मैटर नहीं होने, जिस जो अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देने वाला एग्जाम के लिए, वो पहले अटैम्प्ट में चला जाएगा, जो अपने घर वालों को भूल जाएगा। अब देखो आस पास के दूर से रिश्ते रास्ते जरा सब चुके सब, उसका माइंड वो पहले अटैम्प्ट में एग्जाम निकाल देगा, जिसके दिन दिमाग खटक जाएगा। अगर नहीं खटकागा जो सब चीज़ नहीं हटाने वाला ना, तो उसको तो देखो टाइम लगने वाला, बढ़िया करके लगने वाला टाइम, पूरा एफर्ट लगागा जो पूरा का पूरा एफर्ट भी ऐसे वाला नहीं, अंदर तो बाहर तो मोटिवेशन नहीं चाहिए, अंदर तो चाहिए आत्मा करना क्या, जितनी खोई कैसे वापस लौटेगी, जितनी ज़िंदगी में चली गई या कैसे वापस लौटेगी, प्रसिद्धि कैसे मिलेगी, आए थे नहीं दुनिया में तो प्रसिद्धि कैसे मिलेगी। और क्या गूगल पर बैठ कर सर्च कर रहे लव से संबंधित साइट लिया, इन्हें प्रसिद्धियाँ मिल रही गूगल ने कहा। हाँ सही बात है, बच्चे का कहना सही है, वो सही कर रहा है, मेरे पास रह रहा था कि गूगल के पास सब चीज़ मौजूद है। अच्छा गूगल के पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, मैं जहाँ क्लास में खड़ा होगा तो मैं समझा रहा हूँ, समझ आई बात? यो ना उस ये प्रभाव तुम्हारे पास कब पड़ा, ये अब पड़ा क्लास में, ऑफलाइन क्लास का इतना गहरा प्रभाव है। दिल्ली में ना सिलेक्शन क्यों नहीं है, सिलेक्शन का जो रेटिंग वो 1.1% भी नहीं है, क्यों नहीं है? कल उनके पास ना, उनके पास मेरे तुम्हारे जैसे मैं टीचर हूँ ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली कोई गाइडेंस नहीं देता, इसी का तो अभाव हो, समझ आई बात? इसी का तो अभाव हो सारा, वो तुम्हें बताएगा कि तुम बेटा गलत जा रहे हो, तुम समझ जाना, रॉन्ग एड्रेस पर तुम, वो तुम्हें इशारे करेगा, समझ आई बात? यार उसको तुम्हारे बारे में सब पता, ठीक ठीक उसे सब देख, उसे सब पता तुम्हारे, चलो बात समझ में आ, उसे सब पता तुम्हारे बारे में, उसे सब पता तुम कितना टाइम फोन पर बिता रहे हो, उसे सब पता कितना तुम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, उसे सब पता। और वो उसे कौन है, वो तुम जानते हो, समझ वाली बात है, वो तुम्हें पता। अब मैं समझाऊंगा तुम, हो सकता तुम समझ जाओ मेरे समझाने तक, लेकिन एक डेढ़ साल बाद तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर ले जाना ठीक, जितने भी एज के साथ ये कॉन्सेप्ट उभरा ना दिमाग में, एक डेढ़ साल बाद खुद ही दब जाएगी ठीक। अब तुम्हें एक टाइम ऐसा लगा तुम अपना चेहरा शीशे में देखने तो खुद नफरत होगी, तुम कौन हो, तुम क्या वैल्यू तेरी, कौन जानता तुझे, कोई नहीं जानता तुझे, तुम एक साधारण इंसान बनकर रह जाओ, समझ हो? तो अभी मौका आयो अपने अपने मस्तिष्क पर, अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर, हर जगह कंट्रोल करने का और सारा फोकस उठाकर एक जगह झोंक देने का, समझ में आया बात है? कि बाहर लोग क्या बात कर रहे, किसके बारे में क्या बात कर रहे, भाड़ में जाए तुम्हारा आज का कलम चलाना ना है तुम्हारा, ये रात तो जो तुम्हारा कलम चलेगा, दिन में पाँच सात दस क्वेश्चन लिखोगे डेली का डेली, दुनिया तो कट ऑफ होने के बाद ये तुम्हारा सब तुम्हें खींच देगा इनके पास, जिस दिन सिलेक्शन होगा ना ये ढोल ढमाके लिए गाने वाले, ये दर्शक हो तुम्हारे, जो तुम तुम्हारे ऊपर इंजाम लगा रहे थे, सही बात, जो तुम सोसाइटी में बदनाम कर रहे थे, जो तुम तमाम प्रकार की तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, ये तुम्हारे दर्शक बनने वाले,
समझ पाए बात यार, नहीं तो तुम इनके ही दर्शक बनने वाले थे। अब सोच लो दर्शक बनाना कि बनना, अगर दर्शक बनाना तो बेटे फिर पेन चला रो, किताब उठा लो, अब नोट्स रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। और दिमाग में जो मिथ्यावी बातें भरी हुई ना कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत बड़ा एग्जाम, समझ में आया बात यार, तैयारी नहीं कर सकते हम तुम्हारे पास पूरा 24 घंटा, समझ आई बात यार, सब चीज़ छोड़ कर। मैं भी कह रहा हूँ तुम 8 दिन मस्ती तारो, 10 दिन मस्ती तारो, 12 दिन मस्ती तारो, 50 दिन मस्ती तारो, तुम फिर किताब पाकर बैठोगे जो तुम कोई कुछ कहता ना, समझ बात, तुम निराश हो जाओगे, कुछ ऐसी बात कर रहे हर्ट पर लग जाएगी, तो फिर आगे किताब की याद ऐसे बोले, फिर बोल लोगे यार सेमेस्टर नहीं पढ़ाई यार कुछ भी नहीं है। फिर कई मेरी बात कई साल बाद समझ आओ, जल्दी से समझ में आती, बहुत ही कम लोग हैं जो समझे, फिर बात 4-5 साल बाद समझ में आओ, हो सही कह रहे थे यार गुरु जी, सही कह रहे थे। एक लड़का था, मैं तो पूछा कहने लगा, एक लड़की है मुझे देख के इस तरह के ख्याल आते हैं कि मेरी इसके साथ शादी हो जानी चाहिए, 10th क्लास की उम्र रही होगी उसकी। अच्छा मैंने कहा और क्या ख्याल आते हैं, कहने लगा इसके साथ मुझे ज़िंदगी बिताने को मन करता। मैंने कहा तेने इसके साथ कुछ बोला कभी, कह रहे नहीं। मैंने क्या करता, मैंने उसको ये बताया, मैंने गाँव तक तो इसका पीछा करता होगा, ठीक मैं ये बिल्कुल करता हूँ, ठीक फ्रेंकली टाइप का। मैंने कहा और क्या करता, मैंने कहा मोटरसाइकिल उठा के इसके चक्कर काटता होगा, इसे देखने जाता होगा किस टाइम इसकी छुट्टी होगी, किस टाइम यूँ आती होगी, आज स्कूल में आई कि नहीं आई, ये होगा। अच्छा मैंने कहा इस कहानी को ही रोक एक मिनट बाद, मैंने कहा तो तुझे पता नहीं इसके बारे में, ना उसे पता ना हो तो इतने देखती। मैंने कहा मान लो मिलते हैं तेरे साथ शादी करवा दी जाए, वो पूरा खुश हो चुका। मगर मेरी क्लास में सबसे सीधी लड़की वही है। मैंने कहा सबका यही वहम हो सकता है मेरे जो तेरे पर ये फैक्ट पड़ रहा है मुझे भी पढ़ाओ कभी। मैंने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरी क्लास में सबसे सीधी लड़की भाई है। फिर उसे समझाने के लिए कह रहा था सर सुन लो। उसके बाद अच्छा चलो नुगारा जी पढ़ने में भी बहुत होशियार है। मैंने कहा मुझे भी ऐसे ही लगता था पढ़ने में, तेरे साथ कोई अलग तो हो नहीं रहा है स्पेशल कि तू अलग ब्रांड होगा दुनिया का। अच्छा उम्र ज़्यादा नहीं है 15-16 के आसपास के बीच, 15.5 के साल आसपास उम्र रही होगी। उसके बाद मैंने कहा और क्या लगेगा, रुकारी जब मैं लेट जाऊँ तो आंखों को बंद करके उसका चेहरा भी आया हो, ओह मैंने कहा पक्का सपने में भी आती होगी फिर आया सब। मैंने कहा देखो चुप जाओ, इस उम्र में सब आम बात है और साधारण सी बात है, अब तू इसे लेकर गोल गोल घूमो जाएगा तो उसे पढ़ाई का अपना नोट्स कर देगा, तो तेरे तो बड़ा मूर्ख तो पूरी दुनिया में कोई है नहीं, तेरे तो बड़ा मूर्ख तो किस दुनिया में कोई है नहीं। फिर उसे समझाया, मैंने कहा इस उम्र में सब आम बात है, इसके लिए तो तमाम प्रकार की किताब, अच्छे लोगों का सहारा, अच्छे बड़े बड़े लोगों को सुन सको, उनकी आदत ले सको, तू इंधन निकला कैसे जा, तुझसे फंसने की कोशिश कर रहा निकलना है। मैंने कहा मैंने तेरे से शादी करवा दी, चल कर ली शादी, तुमने घर में रख लिया, अब क्या करेगा, जो तू जहाँ शादी करना चाह रहा था नहीं, मैंने तेरी शादी करवा दी, जब मैं करवा दूंगा तेरे बाप को कहेगा भी जहाँ तू चाह रहा, अब क्या करेगा, चल मैं हाथ पीछे कड़का से खड़ा होगा। मैंने कहा बता क्या करेगा भाई, जवाब दे। मैंने कहा बस इतनी थी, यही था बस तेरा वजूद, मैं अब क्या करूँ। मैंने कहा अब बेटे कंपनी जाएगा तू श्रमिक वर्ग में चला जाएगा। मैंने कहा यही तेरा कंट्रीब्यूशन था, तू कंट्री के अंदर आया तेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तेरे योगदान क्या दे इसके अंदर, करा क्या तेने, किसके लिए क्या करा तेने, बस यही कहानी खत्म। इंडिविजुअल तरीके से करूँ क्या करना, अब कर जो करना, बस कहानी यही खत्म, इसके बाद तो कुछ नहीं है ना, तो बताओ क्या करेगा, कर भी लिया तेने हासिल कर लिया, कौन सा ताजमहल बना दिया तुमने, यही तो कठिनाई है। इसलिए जीवन काल में कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना अंतिम उद्देश्य नहीं मानना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी व्यक्ति को क्या कहा अंतिम उद्देश्य नहीं मानना चाहिए। उस लड़के का वो लड़की ही अंतिम उद्देश्य थी।
मैंने क्या कहा था, आसानी से मिलने वाली चीज ज्यादा दिन ना टिका करती। तो भाई पढ़ लो, तो ये तुम्हारा अंतिम उद्देश्य नहीं है, अंतिम उद्देश्य कुछ और। जब तुम यहाँ आए क्लास में, तुम्हें कोई बताया गया कि कोई प्रचार प्रसार हुआ कि भाई मैं यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूँ और मेरे पास सिलेबस, मैं खुद भी पढ़ता हूँ और तुम्हें पढ़ाता हूँ, आ जाओ। मैंने कोई बोर्ड लगाया हो तुम्हारे लिए स्पेशल तरीके से, तुम्हें बस एक बार सलाह तो दी थी कि एक बार तैयारी करके देख लो, तुम्हें अच्छा लगा, तुम पढ़ते गए, रास्ता देखते गए। अब तुम सोच लो कि तुम लोगों से जो इस कैटेगरी के नहीं हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं हैं, उनसे दूरियां बनानी कि उनके पास जाना। अगर पास जाना उनके पास जाना तो फिर सिलेबस तो दूर जाना। जैसे उनके पास जाओ यूपीएससी, तो तुम उनके पास जाओगे तो देखो सिलेबस तो दूर जा रहे। ऐसा हो जाए, अगर सिलेबस तो दूर जाओगे तो रास्ता एक ही तुम्हारे पास, सही बात है। अगर उनके पास जाओगे तो ये समझ जाओ इस एग्जाम से दूर जाओगे, ये एग्जाम ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तुम ऐसे बढ़ते चले जाओगे, गैप होता चला जाएगा, ऐसे बढ़ते चले जाओगे, गैप होता चला जाएगा। अगर तुम दूरियां घटाओगे इधर से, इस एग्जाम के करीब आओगे, टारगेट को बढ़ते चले जाओगे, ऐसे अगर इसके पैरेलल में चलते चले जाओगे। समझ में आया बात? दो लाइन हो, एक लाइन या एक लाइन या एक लाइन या एक लाइन या यहाँ कितनी लाइन है? दो लाइन। इन लाइनों को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, इनसे बोलते हैं कंसिडेंट लाइन। कंसिडेंट लाइन, जिंदगी में कभी पैरेलल लाइन बनने की कोशिश करोगे ना, तबाह हो जाओगे। तुम सोचोगे इधर साइड में यूपीएससी रख लो, समझ की बात है, और इधर साइड में प्रेमपत्र भरी कहानी चलती रहे साइड में, ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश होता रहा, बर्बाद हो जाओगे। सभी बात क्या, इस लाइन पर चलना, कंसिडेंट लाइन पर, संपत्ति लाइन, एक ही लाइन है बस, ना तो उसके इधर कुछ है ना साइड में तुम कुछ, कंसिडेंट लाइन पर चलना। तो यूपीएससी तैयारी पहले लाइन पर नहीं होती, यूपीएससी तैयारी कंसिडेंट लाइन पर हो। समझ में आया बात है? साधारण सी बात है, समझ में आया बात है? हो सकता है जब तुम लवासना के अंदर कदम रखो, तुम्हारा एटीट्यूड बदल जाए। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं मुखर्जी नगर में घूमगा आया था, मैं सोच रहा था कि यार मैं ना अगर यहाँ रहा ना, मैं पक्का एक गारंटी दे रहा हूँ, मैं गांव वाला तो ना बहुत दूरियाँ बना लूँगा, बहुत बहुत दूरियाँ। मैं ना अपने घर वालों को भूल जाऊँगा यार तैयारी करने के लिए। तो अगर मैं जब पैसा खर्च करना हो, मुझे किसी की फिक्र ना हो, समाज सोसाइटी मुझे फिक्र ना हो, अरे 1.5 साल तक बीता हूँ तो मेरा बहुत अच्छा रैंक लगने वाला, जबरदस्त का, कि जिस तरह मेरा माइंड फोकस पूरा हो रहा, जिस तरह मैं चारों तरफ पढ़ाई का माहौल देखता हूँ, और कुछ है ही नहीं। बाहर निकलो तो अंदर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा है, पूछा क्या पढ़ रहा है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इधर घूमोगे कोलगेट करने लिखोगे, देखा उसका उसका सुबह को उठकर रिवीजन चल रहा, बाहर जाओगे मार्केट में किताब लिख के सड़क पर बैठा हुआ पढ़ रहा, रास्ते के बीच में दिखाई क्या दे रहा, चारों तरफ दिखाई क्या दे रहा, किताब, बुक्स, स्टडी, ये दिखाई दे रहा। अरे हम बाहर निकलो क्या दिखाई दे रहा, चार लड़के इधर खड़े हुए, दो इधर खड़े हुए, साइड से इधर खड़े हुए आ रहे, वो उसकी बात बनाने पर लगा हुआ, चार लड़की इधर बैठी ग्रुप में, दो उसकी बात बनाने पर लगी, वो ऐसी या ऐसी, ये बुरा ये चली चार तरफ, ये पढ़ाई का मूल है, इससे बढ़िया ना ही बात करो किसी के साथ। और राजनीतिक चर्चाएं तो ऐसे चरम पर पहुंच जाए, हाँ पूछे मतलब ऐसे लगे परचा इन्होंने भर रखा हो। बस ये गलत, तो इसका अभाव आजकल प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती बच्चों को। तो पढ़ लो, मौका आप भी, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो यूपीएससी है, इतना आसान नहीं है। मेरे जैसे तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने हैं, कितने चले गए जो रेगुलर थे ना। मैं इतने ज्ञान की जो ये इतना नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर रहा हूँ जो मेरे पास हुई नया, जिसमें तुम ज्ञान बांट रहा हूँ, इस सारा का सारा पता कैसा आया? मैं लॉकडाउन में पढ़ा हुआ, उसके बाद में कभी एक अक्षर नहीं पढ़ा, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा, रेगुलर में कभी ना दो ही दिन पढ़ूँ मैं, एक सैटरडे एक संडे हूँ लास्ट के बस, और वो भी छुट्टी लग दी तो ठीक, नहीं तो संडे को लगभग। ये जितना ज्ञान की प्राप्ति हुई ना 2020-21 में हुई है, समझ में आया बात है? 2019 में तो मैंने जान पूछ कर ही लॉकडाउन लगाया था अपने, मैं दूरी ठीक करा था, मैंने दूरियाँ बनाई थी, मैं भी बहुत अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ, लोगों तो ज़्यादा ही दूर रहा, सबसे धीरे धीरे तो दूरियाँ ही बना ली।
और जितना सोशल मीडिया था अपना भी बंद होता चला गया, और ज़्यादा बेहतर सुकून तो है, समझ में आ बात है। जितना ज़्यादा नेटवर्क होगा इतना ज़्यादा तुम्हारा उसके साथ कम्युनिकेशन होगा, इतना ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तो बात ही करना छोड़ दो। ऐसा काम करो, बात करो खुदा, तुम क्यों बात करनी पड़ती किसी के लिए, खुद ही बात करने आगा ना जब से इलेक्शन होगा, 1.5-2 साल पता नहीं चलता कैसे बीत जाते हैं, समझ में आया। हो सकता भी कोई आपदा आ जाए, घर में घुस के बैठना पड़ेगा तुम्हें, बैठ जाओगे। कोरोना आया, सरकार ने पाबंदी ऐसी लगाई, भर तो बाहर नहीं निकल सकते, गली के बाहर निकलना अपराध था। ऐसा लॉकडाउन 2 साल लगाना पड़ेगा, जब जाएगा जब निकलेगा, समझ में आई बात है, ताकि लोग भी भूल जाए तुम्हारे बारे में बात करना स्टार्ट कर दे, बंदी घर से बाहर नहीं निकलती, देखा नहीं उसे तो इस गली में रहती है नहीं रहती ये पेंटागन मॉल तक घूमने गए नहीं, 20 फोटो वहां तक खींच के लेगा, आधे गाड़ी पे जाते जाते खींच लेंगे, ऐसे समझ लो। और इनका सबसे पहला वहम वही है कि पूरी दुनिया में सबसे सुंदर परी में ही लगती हूँ पापा की देखने में, ये भी तो वहम है ना, अलग अलग तरीके से स्टाइल बना के फोटो खींचेगी, कोई महत्व नहीं है इनका, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक दोनों जो लोगों में हीरो होंगे या हीरोइन होगी, जानी पहचानी कौन, एक आधी 2-4 ID इंस्टाग्राम बना रही होगी, मुँह छुपा कर फोटो लगा के हाथ रख लो ताकि कोई देख ना ले, सोचते कि हमें भी लाइक मार के जाएगा, 4 लड़के देखेंगे हमें भी सुनेंगे हमारे बारे में बात करेंगे, क्या बंदी है यार, क्या मस्त, ये वो फलाना टीम का 6 डी मेकअप घर तक करके निकलेगी, तो ये पढ़ाई हो रही है। मेरे जैसा इंसान घास भी नहीं रहने किसी को, मैं दूर से देख के पहचान लूँ कितने औकात कितने पानी भरी होगी, क्या कितने बाहर लैंग्वेज पता लग जाना कितना पढ़ा लिखा हो आप। एयरपोर्ट पर जाकर बैठते हैं, 1.5-2 घंटे फ्लाइट का इंतजार करते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग मिलते हैं, चाहे हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं या फ्लाइट में बैठते सामने बात करते हैं, बंदे कितने हाईली क्वालिफाइड है, बात करने वाला ना उनके साथ, और यूँ की बात करेगी तुम्हारे साथ कि ये प्रेम से संबंधित कोई मैटर चल जाने वाला, सोशल इश्यू बात करेगी, इंटरनेशनल न्यूज़ पर बात करेगी बैठ कर, और यहाँ का तो इतिहास ही अलग है, यहाँ इंटरनेशनल न्यूज़ के बाद कौन सी स्वर्ग की न्यूज़ पर बात हो ना, बैठ जाएगी ना तो पारलौकिक जगह तो पहुँचा गई थी तुम, पता क्या बता गई, माता की 4 व्रत रखने थे ना UPSC तो पक्का क्लियर हो जाने वाला, शुरू के 4 व्रत फास्ट रखने से, इतना पारलौकिक जगह तो पहुँचा देगी तुम, पता लगा 4 दिन तो भूखी रही, स्वास्थ्य खराब होया, ऐसा हुआ अगले 4 दिन की और छुट्टी लगाई उसने, क्या होगा देश का यार, बस पढ़ लो यार पढ़ लो। चलो तो ये ज्ञान की बातें सुन लेना, सेव कर लेना बैठ कर, जब भी तुम्हारा मन ना करे ना इस वाली वीडियो को देख लेना, पढ़ाई का ठीक निकल लो, समझ में आएगी नहीं मैडम, पढ़ने पर ध्यान दे लो, सारा खेल आंसर राइटिंग का, लिख ही नहीं पाओ तो क्या करोगे, पहले समझना उसके बाद लिखना, समझ आई बात है, और सभी पहले पता क्या सिलेबस क्वेश्चन बैंक बराबर में होना चाहिए। अब एक काम करो, एक एक पॉइंट बनाओ और लिखना शुरू करो, क्वेश्चन ही बनाओ सब बच्चा लोग, वर्तमान समय में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बढ़ती महत्ता का कारण, वर्तमान समय में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बढ़ती महत्ता का कारण,
बताओ 1990 के बाद हमारे यहाँ आर्थिक सुधार के कार्यक्रम की शुरुआत हुई, हुई कि नहीं हुई? तो तब तक ना जो पूंजीवादी विचारधारा थी वो लगभग संपूर्ण विश्व में फैल चुकी थी। लिखो पहला पॉइंट, पहला कारण। किसका पहला कारण? मेहनत का। अच्छा, वर्ष 1990 के आर्थिक सुधारों के बाद, वर्ष 1990 के आर्थिक सुधारों के बाद संपूर्ण विश्व में पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। लिखना बाद में, समझना पहले। संपूर्ण विश्व में पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार हुआ, हुआ नहीं हुआ? किसका प्रसार हुआ? कब हुआ? किसका प्रसार हुआ? तो किसका पतन हुआ फिर? समाजवादी विचारधारा का। तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, समाजवादी विचारधारा के पतन के पश्चात। बात तो आई है। अगर हम ऐसा ना लिख इस लाइन को, ऐसे तो लिख सकते हैं 1990 के बाद लिख दिया ना। अगर ऐसा ना लिख, इस लाइन को हटाना चाहो तो ये तो मेन्स की खूबसूरती हो। उसमें एक बात को तुम कई तरीके से समझा सकते हो। ये तुम्हारे पास ऑप्शन हो, फ्री में क्या प्रॉब्लम हो? जो उसका आंसर होगा एक ही होगा। आया समझ में? यहाँ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब विकल्प तुम्हारे पास मौजूद। लिखने की कला हो एक प्रकार की, वो एक दिन में विकसित नहीं होती, धीरे धीरे लिखते जाओ सब जो शब्दावली ना ऑटोमेटिक दिमाग को प्रवेश करती रहती है। पहले दिन लिखोगे बहुत गंदा लिखोगे, तुम्हें खुद ही महसूस हो जाएगा बहुत गंदा उत्तर, कोई कंटेंट नहीं है इसके अंदर। आया समझ में? जो समझा हुआ था, जो सुना हुआ था, सिर्फ वही लिख दिया। अगले दिन लिखोगे ना, दिमाग लगाएगा और रिफॉर्म होगा उसके अंदर, सुधार होगा। दो तीन को, तीन क्वेश्चन तक हम तो लिखो ही ना, कितने भी तुम तैयारी करने वाले हो, कितने भी खत्म हो तुम, तीन तो क्वेश्चन कभी तो कम नहीं आने चाहिए। लिखना तो लिखना, समझ में आया बात है? चाहे पुराना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे, कम से कम तीन क्वेश्चन लिखना ही होगा। आया समझ में? चलो क्या लिखा तुमने? विचारधारा का प्रसार हुआ तथा अमेरिका में कंपनियां एनरॉन तथा ऑस्ट्रेलिया में एच आई एच एवं वन टेल, एच आई एच एवं वन टेल, ये कंपनी, इनके अंदर घोटाला हुआ था। अमेरिका की एनरॉन कंपनी के अंदर घोटाला हुआ, ऑस्ट्रेलिया की एच आई एच और वन टेन कंपनी के अंदर घोटाला हुआ। वन टेन तथा 2008 में, तथा 2008 में, इसे पढ़ना जरूर, 2008 में भारत में सत्यम जैसी कंपनी, के पतन ने इनका सबका पतन हो चुका था, लिख दिया। सत्यम जैसी कंपनी के पतन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की अवधारणा को सार्थकता प्रदान किया, सार्थकता प्रदान किया। तुम बता देना ऑप्शनल क्या पढ़ोगे, फिलोसॉफी पढ़ोगे कि हिंदी साहित्य का सक्सेस रेट ज्यादा, तो जिसका सक्सेस रेट ज्यादा हो, जो वर्तमान में प्रचलन में हो, तो उसे ही पढ़ लो, क्या दिक्कत हो रही। अगर फिलोसॉफी पढ़ना
तो पर्सनल पढ़ लेना मुझसे। दोनों पढ़ा दूंगा तुम, तुम्हारी चॉइस होगी तुम्हें क्या पढ़ना। पांच पांच दिन दोनों क्लास लूंगा मैं, ठीक। फिर तुम्हारे पर डिपेंड रहेगा तुम्हें क्या पढ़ना है। पढ़ाऊंगा आधे बच्चे लगोगे आधे बच्चे लगोगे तो कोई बात नहीं, जो फिलोसफी वाला उससे फिलोसफी के वीडियो दूंगा, देखता रहा काम देखूंगा उसका। हिंदी साहित्य वाला उसे भी वीडियो दे दूंगा हिंदी साहित्य के। लिख दिया कोई दिक्कत यहां तक। साथ ही सार्थकता प्रदान किया, सार्थकता प्रदान कर दिया, साथ ही नए कॉरपोरेट घरानों का उदय हुआ, साथ ही नए कॉरपोरेट घरानों का उदय हुआ, साथ ही नए कॉरपोरेट घरानों का उदय हुआ। घर चले हम फिता, कॉरपोरेट घरानों का उदय हुआ तथा पुराने कॉरपोरेट घरानों के विस्तार ने, पुराने कॉरपोरेट घरानों ने भी अपनी महत्ता दे दी। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को अपनाओ भाई। पुराने तथा पुराने कॉरपोरेट घरानों के विस्तार ने पुराने कॉरपोरेट घरानों के विस्तार ने विस्तार ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की महत्ता को स्वीकार किया। विस्तार ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की महत्ता को स्वीकार किया। लिख रही हूं मैं आदर आदर पढ़ा चुका तुम एग्जाम ही लिखने का। क्या लिखा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की महत्ता को स्वीकार किया। अस्वीकार नहीं, स्वीकार किया। अच्छा दीदी बता रही मेरा स्वीकार अस्वीकार एक जैसा ही हो। अच्छा देखो मार्केट के अंदर ना, सुनो दूसरे नंबर पर सुनो वीरो, भारत के अंदर ना वर्तमान समय बहुत सारी एमएनसी काम कर रही, मल्टी नेशनल कंपनी, हिंदी में कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। दसवीं क्लास में क्वेश्चन भी था बहुराष्ट्रीय कंपनी को देश के विस्तार से समझाइए एसएसटी के मॉडल में। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना, तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना तेजी के साथ अपने पैर पसार रही, कहीं इनकी मोनोपोली ना हो जा, इनका एक अधिकार ना हो जा। मैं तो अमेजन कौन थी वह अमेजन जो भी होनती, फ्लिपकार्ट पर 30 तारीख तक 50% ऑफ चल रहा, कुछ भी खरीदना हो। तो मैं भी तीन प्रोडक्ट मंगाऊँ, तीनों का नाम नहीं बताने का, सुन लो, तीन प्रोडक्ट मंगाऊँ, चौथा मैं आज मैं ऑर्डर करूँगा, 50% ऑफ चल रहा। एप्पल का टैब मंगाऊँ, एप्पल का टैब 50% ऑफ चल रहा, 52,000 का टैबलेट 26,000 में मिल रहा, इससे बढ़िया क्या बात है। आज ही घर जाके फ्लिपकार्ट डाउनलोड करोगे, ठीक है, सुन लो, करना भी मत बिल्कुल भी, लत लग जाने वाली इसकी। तू ये बताओ क्या हमारे यहाँ केवल फ्लिपकार्ट या एक ही कंपनी, बहुत सारी कंपनियाँ ना, अगर ये दो चार तीन चार गिनी चुनी कंपनियाँ हो, कहीं ऐसा ना हो आपस में साठ गांठ कर लो और क्या हो, एक ही जो ये मोबाइल फोन है ना, दोनों इतने का ही बेचना, तीनों कंपनियाँ इतने का ही बेचेगी, चौथी कोई कंपनी नहीं। तो या तो मोनोपोली होगी ना, ये तो एक अधिकार होगा, आया समझ में। तुम इतना रेट निकालना, हम भी इतना रेट निकालने वाले, ऐसी एक अधिकार को जो एमएनसी हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनके एक अधिकार को समाप्त करने के लिए आज कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता पड़ने वाली, उसकी महत्ता को बल दिया जा रहा। यस सर नो, ठीक लिखो,
ये मेंस में लिखना पड़ेगा जो बता रहा हूँ, याद रखना बात यार। देखो दूसरा पॉइंट लिखो, वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ब्रैकेट में MNC बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एक अधिकार को नियंत्रित करने के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एक अधिकार मतलब मोनोपोली, कौन सी पोली, मोनोपोली, एक अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की महत्ता को बल दिया गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की महत्ता को बल दिया गया, बल दिया गया। अब देखो जो पूंजीवादी बाजार है, इसमें शेयर मार्केट में लोग अपना पैसा लगा कर रखते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो उनके हितों को कैसे संरक्षित करा जा, उनके हितों को कैसे बचा कर रखा जा, आज वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता बढ़ती चली जा रही है। वर्तमान समय की डिमांड, आधुनिक समय की मांग, क्या हुआ आधुनिक समय की मांग, कॉरपोरेट गवर्नेंस, निगमित शासन, इसकी रिलेवेंसी बनी हुई, क्यों, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर धारक उनके जो हित होंगे उसे संरक्षित किया जा सके, शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर धारक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, संरक्षण देने के लिए, समझ में आया, आज इसकी आवश्यकता बन, इसकी महत्व को बल दिया जा रहा है, समझ में आया बात है, और आगे भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि शेयर मार्केट का कंसेप्ट गाँव गाँव घर घर गली गली पहुँचने वाला है, अदा तो भी समझा दूंगा तुम, समझ में आया बात है, और तुम किसी और को समझाओगे, ऐसे ऐसे पैसे बर्बाद करने चाहिए, जल्दी फटाफट तेरे पास कितने पैसे इस तरह है लगा था, ठीक तो। देखो तीसरा पॉइंट, पूंजीवादी बाजार में निवेशकों के हितों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह, निवेशकों के हितों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्या लिखा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया ना, रखा जाए इसके संरक्षण के लिए सब बस क्या लिखा, जो मैंने सिंह का आयोजन लिखा, ठीक है, इसके संरक्षण के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की महत्व को बढ़ावा दिया गया, सर्दी लग चुकी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की महत्व को
देखो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के द्वारा क्या किया गया, ये हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैडम चुप हो जाओ, ये बातें आप घर में भी जाकर कर सकती हो। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया, इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जैसे जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया ना, तो जो ये कंपनियां थी ना हमारी, ये दो कंपनियां थी, ठीक, मान लें चार कंपनियां थी, तो यूनि है कि इनकी मोनोपोली बनी हुई, तो चार कंपनी का एक अधिकार नहीं है, यानी कि साठ घाट नहीं हो सकती। हो सकता तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हो, ये तुम लोगों को अट्रैक्ट करके एक कंपनी बना सकते हो, तुम इसे उभार दे सकते हो, इनका इनका भी कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा, इसका भी। हो सकता है तीसरी कंपनी खुल जाने वाली, चौथी कंपनी खुल जाने वाली। इसका मतलब क्या हुआ, जो जनता ने यहाँ की, जो यहाँ की प्रजा, ये प्रजा इसके मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई। और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है ना, तो क्वालिटी अच्छी मिलती है। जैसे तुम मार्केट में जाओगे, तुम्हारे क्या लिखा हुआ, मेले में जाओगे, वही चीज़ उसके पास, वही चीज़ उसके पास। आया समझ में? चीज़ें क्या होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, समझ में बात क्या, आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए, उन तक उसकी एक्सेस हो, पहुंच हो, समझ में आया नहीं बात क्या, तो उसे तो खरीदने वाले होंगे, ठीक। तो क्या हुआ, जब कॉरपोरेट गवर्नेंस आया ना, कॉरपोरेट गवर्नेंस के कारण जो ये कंपनियां थी ना, इनके मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई। जब जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है ना दो कंपनियों के मध्य, तो वहाँ क्वालिटी पर ज़्यादा बल दिया जाता। जो प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली, जो अच्छा कंटेंट बनागा, अच्छा मतलब अच्छा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आएगा, उसका ही तो प्रोडक्ट बिकने वाला, तो उसके अंदर क्वालिटी डालनी होगी, समझेगा, तो लोगों को फिर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु प्राप्त हुई। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के कारण आम आदमी को ये फायदा हुआ, कॉरपोरेट गवर्नेंस के कारण ना, जो आम आदमी तक पहुंचने वाला प्रोडक्ट था उसके अंदर गुणवत्ता आई नहीं, क्यों आई, कॉरपोरेट गवर्नेंस के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई। प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन, क्या बढ़ता चला गया, कंपटीशन बढ़ता चला गया, प्रतिस्पर्धा। इसी के संदर्भ में तो भारत के अंदर ना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सन 2001 के अंदर बनाना पड़ा, 2001 या 2000 के आसपास बनाया होगा, देख लेना जाकर। आया सब, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इस तरह का आयोग बनाना इस बात की ओर निर्भर करता है कि भारत के अंदर ना बहुत सारी एमएनसियां, उनके अंदर कंपनियां बढ़ती चली जा रही है, इस तरह से भारत के अंदर आने, भारत के लोगों को प्राप्त होने वाले लोक हित में जो भी वस्तुएं पहुंच रही, जो भी गुड्स पहुंच रही, उसके अंदर पक्का गुणवत्ता बढ़ती चली जा रही। गुणवत्ता क्यों बढ़ने वाली, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला। आया समझ में? अब यहाँ पढ़ाने वाला कौन, मैं, समझिएगा, जब तक चार पांच और टीचर पढ़ाने वाले नहीं होंगे ना, तब तक मेरे अंदर मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करने का, गुणवत्ता नहीं देने का, मेरी मोनोपोली बनी हुई, सारा बच्चा मेरे पास पढ़ रहा। अगर कोई और अच्छी गुणवत्ता वाला आगा, समझा बात, जैसे मीनू रातों की नींद छीनू, आया समझ, मैंने सेंटर का नाम लिख दिया मीनू रातों की नींद छीनू, एक बार पढ़ोगे बार बार आओगे, समझ में बात, ऐसे लिख दिया ना, बच्चा से पास दिखता चला जा रहा, क्यों, कंपटीशन बढ़ चुका, पढ़ ली या आई दोनों खुला मिलकर तीन दोनों खंड के प्लस वी, एक बार आओगे बार बार आओगे, दिमाग नहीं लगाओगे, के वी ने खोल दिया सेंटर, के वी के सेंटर, ये कह रहे इंडियन सोनू क्लासेस कुछ नहीं है, यहाँ आओ तुम, तमाम प्रकार की सुविधाएं, टेस्ट फलाना ढिमका मुखड़ा, मीनू अपना प्रचार प्रसार करने में लगे, मीनू मेरा नाम मीनू, मैं हर रोज रातों की नींदें छीनू, ठीक, और बार बार लिख दिया साहब साहब ओनली नाइट में पढ़ाई, दिन में कोई पढ़ाई नहीं। और जो केकीवी सेंटर था, केकीवी ये भी बहुत प्रसिद्ध हो चुका, अब इंडियन सोनू क्लासेस में कोई पढ़ने नहीं आता, उसके टीचर तो अकेले बैठे हुए, वहाँ तो दो बच्चा हो पढ़ने के लिए, दो में से भी एक बिटा भी देता था, एक ही बच्चा हो पढ़ने के लिए, समझ में आया नहीं बात, यहाँ कोई दिक्कत, ऐसा किस कारण हुआ, क्योंकि जो इंडियन सोनू क्लासेस वाले थे ना, वे कंटेंट नहीं प्रोवाइड करवा रहे थे अच्छा वाला, गुणवत्ता नहीं आती उनकी सामग्री के अंदर। और जो केकेवी सेंटर था ना, केकेवी सेंटर, उन्होंने टेस्ट सीरीज लगे तो दिन रात 24 घंटे पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो 2-3 घंटे में क्लास समाप्त कर दे, समझ में आया बात यार, मीनू रातों की नींद छीनू, दिन में पढ़ के सोती है, रात को ट्यूशन पढ़ाती है, जबरदस्त मात्रा में भीड़ दिखी हुई, तो इनका दोनों का कंपटीशन चल रहा है, बस में आईएससी वाले तो कोई खो ही गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ी, ऐसा क्यों हुआ, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण बताओ क्वालिटी प्रोवाइड होती है नहीं होती है, चलो लिखो, कॉरपोरेट गवर्नेंस के द्वारा, अगला पॉइंट, कॉरपोरेट गवर्नेंस के द्वारा प्रजातांत्रिक प्रतिस्पर्धा को स्थापित करने के लिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस के द्वारा प्रजातांत्रिक प्रतिस्पर्धा को स्थापित करने के लिए
कॉरपोरेट गवर्नेंस के द्वारा प्रजातांत्रिक प्रतिस्पर्धा को स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया। ये सारा काम किसकी वजह से हुआ? कॉरपोरेट गवर्नेंस के कारण हुआ। ये तो जब तो कॉरपोरेट गवर्नेंस की महत्ता बढ़ती चली जा रही, ठीक, प्रेजेंट टाइम में इसकी रिलेवेंसी बढ़ने ही वाली, घटने वाली तो है नहीं, उसके अंदर हमेशा इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट नहीं होने वाला। ये सर नो, कितने पॉइंट हुए? पांचवा पॉइंट समझो, ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था। हे बचवा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, इनके मध्य कोऑर्डिनेशन करने के लिए समन्वय, संबंध, बातचीत करने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस जरूरी होगा, उसकी महत्ता को बल मिला। समझ में एक बात यार, ये भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद आया, जब पूंजीवाद आया तभी तो इसकी संकल्पना विकसित हुई। अरे वैश्विक, अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, अगर तुम वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना तो वैश्विक अर्थव्यवस्था अधिकांश पूंजीवादी, जब पूंजीवादी होगी तो पूंजीवादी विचारधारा होगी तो कॉरपोरेट गवर्नेंस की संकल्पना तभी तो विकसित होगी। समझी बात? तो इसी के कारण ना, कॉरपोरेट गवर्नेंस की संकल्पना के कारण ही इन दोनों के मध्य संवाद हुआ। संवाद का मतलब समन्वय, कोऑर्डिनेशन हुआ, कोऑर्डिनेशन, समन्वय मिलने स्टार्ट हुए। उन्होंने हमसे सीखा, हमने उनसे सीखना स्टार्ट कर दिया, इसे कहते हैं समन्वय हो चुका। आए समझ में? अब बताओ, जो बाहर के लोग आए थे, बाहर के लोगों का क्या काम था? भारत बड़ा सीधा साधा सा देश था, प्यारा सा देश था। बाहर के लोग आते थे और आते थे कैसे, कोई घोड़े पाता था, कोई हाथी पाता था। समझ में बात है? घोड़े पाते थे, भारत के अंदर लूटपाट मचाते थे और उसे लूट कर लेके चले जाते थे, और कहीं कहीं दो दो तीन दिन रुका करते थे। तो उनकी जो संस्कृति थी ना, वो हमारे यहाँ संस्कृति के अंदर सम्मिलित होगी, उसका समन्वय होगा, फिर नई संस्कृति का जन्म हुआ। इंडो इस्लामिक संस्कृति, इंडिया की और इस्लाम की संस्कृति मिल चुकी, क्योंकि इस्लाम वालों ने हमारे पर आक्रमण करता रहा, यानी उनका धर्म इस्लाम था, तो जो इस्लामिक संस्कृति यहाँ छोड़ कर चले गए। ऐसा इस व्यासन भाषा में समझाता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। तुम जब मैं छोटा सा था ना, तो मुझे शौक था कि मैं अपनी बुआ के यहाँ जाकर रहूँ। ऐसे बज जब मैं छोटा सा था तो मुझे मेहमानों के यहाँ घर जाने का बहुत शौक था, तो मैं अपनी दादी के साथ ना कहीं भी चला जाया करता था। अरे तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में? तो मैं ना कुछ दिन ना अपनी बुआ के यहाँ रहने के लिए चला गया, तो वहाँ के बच्चे ना वो खेलते थे, गोलियाँ खेलते थे, अच्छा कंचे बोलते हैं क्या उन्हें, जो भी बोलते होंगे, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो खेल क्रिकेट भी खेला करते थे, ठीक, तो हाँ पैसे भी, तो वहाँ की भाषा अलग थी। तो हम तो कहते थे कि हम तो तैरते ही ले लगे, तैरते ही, हम तो तेज पढ़ का यूज करते हैं, हमारी भाषा जो गांव के लोग होते थे क्लीन नहीं होती, तैरते ही, तो हम बोलते थे तम से ही ले लेंगे स, ऐसे मतलब जैसे मैं हर बात में स लगना स्टार्ट कर दिया, तेरे से ही कर लेंगे, तेरे से ही बात कर लेंगे, तेरे से स स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे समझ में आया कि 7-8 दिन रहने के बाद ना उनकी संस्कृति का और हमारी क्षेत्रीय बोली का दोनों का समन्वय स्थापित होगा, नई संस्कृति का जन्म हुआ। अब समझ में आया? ठीक, इतना ही नहीं मैंने वहां से सीखा कि वहां के बच्चे ना ऐसा काम करते थे, जो जेब थी ना, जेब ही है, जेब पैंट में जेब हुआ करती थी, उन्हें गायब कर दिया करते थे। जादू सिखाया उन्होंने मुझे, हाँ कल्चर, चलो यहाँ भी इतना था कि ये बात यहीं तक नहीं पहुंची। उन्होंने मुझे बालों को रखने का नया स्टाइल सिखाया, मैं तुम्हें अभी सिखाता हूँ, पर हिंदी चलो अभी दिखाता, ऐसा अच्छा नहीं रहने का बिल्कुल भी, अभी मेरे बाल ज्यादा बड़े भी हो रहे, इतना नहीं सिखाया, चलो यहाँ तक भी ठीक था। जब हद होगी, उन्होंने मुझे कहा, 14-15 दिन मुझे बीत चुके थे, 15वां दिन था, आज तो हम जाने ही वाले थे, जब जाने वाले थे ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया, वीर दादी ना मुझे बहुत बजाया, इतना मारा ना मुझे पकड़ कर, तुमको कहा था कि तुम्हें यहाँ पे रहना चाहिए, तुम कहाँ पे चले जाते हो, ये है वो है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलो ठीक था,
मुझे बाद में जाकर पता चला उन्होंने मुझे अपनी पैंट मेरी पैंट फाड़नी सिखा दी बीच में तो दोनों में। मैंने कहा ये क्या, घर आ गया तो बहुत मार पड़ी, ये कह रहे नया फैशन है। मेरे घर में जितनी पैंट थी ना, मैंने जो सारी पैंट थी मैं बीच में था ना साइड साइड से सारी की सारी काट कर फेंक दी। इतना बात समझ में आया, ये क्या हुआ, कल्चर का समन्वय हो चुका। एक वर्ड को समझाने के लिए मैं कैसा सहारा ले रहा हूँ तुमसे, इतना बात बताओ समझ में आया। चलो यहाँ तक भी ठीक था, जब उन्होंने कहा ना डांस करो तब मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मैं डांस से बहुत नफरत थी। आया समझ में, तब मुझे समझ में आया। तो बताओ, और वो सारे स्टेप ना मैंने घर आकर फॉलो करे, मैंने बोले घर वालों को दिखाए, देखो मैंने कहा मैं जेब गायब कर सकता हूँ, तब हाँ पैंट की जेब गायब कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, हर चीज में मैंने सेल लगाना सीख लिया, मेरे घर के जितने कपड़े थे मैंने सारे फाड़े तो फेंक दिए। वो कल्चर था ना, समझ में हो चुका दोनों कल्चर, फिर नई संस्कृति का जन्म हुआ। इतना बात बताओ समझ में, तो ये समन्वय हो, तो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले होंगे, जब वैश्विक वर्ष 1991 के पश्चात जब पूंजीवाद का प्रचार प्रसार तेजी के साथ हुआ, उस समय मैंने पैर पसारने स्टार्ट किए, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी ना उसका लिंक ना विश्व की अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्था तो हुआ। हुआ तो जैसे हुआ तो इनके बीच में समन्वय स्थापित होना चाहिए, ये समन्वय हो इसे बोलो कोऑर्डिनेशन। कुछ उन्होंने हमसे सीखा, हमने कुछ उनसे सीखा, ऐसे बजो ये सुनो बस ये बात थी। चलो लिख लो, तुम तो ऐसे ही हो यार, लिखो। राष्ट्रीय, अगला पॉइंट लिखो, राष्ट्रीय एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय मतलब भारतीय, ठीक, राष्ट्रीय एवं या पैसे लिखते हो भारतीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने हेतु, राष्ट्रीय एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए, तू नहीं कि मन मान एक भी न मेरी मान, ऐसे क्यों सताया समन्वय स्थापित करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ा। कैसे तुझको ये बताएं कि हम क्यों धक्के खाएं, इससे क्या हुआ, कितने पॉइंट हुए, पांच। छठा पॉइंट, जो कॉर्पोरेट जो कंपनियां थी ना उनका जो काम काज हुआ करता था, ठीक, उनके अंदर जो अनियमितता थी, कंपनी नियमित तरीके से काम नहीं क्या करती थी, समझ में आया बात है, उनके अंदर भ्रष्टाचार था, बड़े बड़े घोटाले हुआ करते थे, इसके कारण भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ा। समझ आई बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने इन्हें भी कम किया, भ्रष्टाचार कम हुआ, क्यों, क्योंकि जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो पारदर्शिता होगी, जवाबदेहिता होगी, जो प्राइवेट कंपनियां होंगी, निजी कंपनियां होंगी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने होंगे तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है प्राइवेट घरानों के अंदर। ये सुनो, लिखो, कंपनियों के कामकाज में कंपनियों के कामकाज में अनियमितता कोमा भ्रष्टाचार, कोमा मत लिखना हिंदी में, कोमा लगाना, अनियमितता कोमा कौन सा चार, भ्रष्टाचार एवं घोटालों को नियंत्रित करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ा। नियंत्रित करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ा
कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ा। और क्या हुआ, जो निजी क्षेत्र की कंपनियां थी ना, इन्हें इनकी जिम्मेदारी समझा जा सके, इसलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस की अवधारणा संकल्पित हुई, मतलब विकसित हुई। समझ में आई बात या क्यों उभर का सामना आई ऐसी अवधारणा, क्यों? ताकि जो निजी क्षेत्र की कंपनियां थी ना, इनका इन्हें इनका दायित्व समझा जा सके। ये तुम्हारी लाइबिलिटीज का मतलब क्या, दायित्व। तुम्हारा दायित्व क्या है, ये दायित्व तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तुम्हारी। समझ में आया बात या क्यों ये कंपनियां अपनी जिम्मेदारी समझा करती थी। मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, मैं निजी व्यक्ति हूँ, मेरी मर्जी, मैं 4 दिन ट्यूशन न पढ़ाऊँ, 8 दिन ट्यूशन न पढ़ाऊँ, प्राइवेट कंपनी हूँ मैं। अच्छा, लॉ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताओ, फिर अपनी जिम्मेदारी समझो। तुम चुनाव में घूमते हो, तुम्हारे चुनाव तो कोई काम है, तुमने 4 दिन बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। ऐसे बताओ, इतना बात बताओ, समझ में आए कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो ये जो प्राइवेट थे ना, इन पर लगाम लगाने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया, इन्हें इनकी जिम्मेदारी समझाई जा सके। समझ में आया बात? चलो लिखो लिखो, निजी क्षेत्रीय कंपनियों को उनका दायित्व समझाया जा सके। दायित्व को राइट में लिख देना, उत्तरदायित्व, ऐसे लिखना। निजी क्षेत्रीय कंपनियों को उनका उत्तरदायित्व, उनके उत्तरदायित्व, ऐसे लिखो, उनके उत्तरदायित्व। दायित्व को राइट में क्या लिखा है, उत्तरदायित्व लिख दिया क्या? ठीक करा, वो भी सही है। उत्तरदायित्व का बोध कराया जा सके, उत्तरदायित्व का बोध कराया जा सके, इसी संदर्भ में कॉरपोरेट गवर्नेंस की संकल्पना विकसित हुई। इसी संदर्भ में कॉरपोरेट गवर्नेंस की संकल्पना विकसित हुई। सपना तो पता होगा कौन थी, देखो, लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, बच्चा, हे बचवा इधर देख रहे हो, ये लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत हो, लोक माने हो लोग, पब्लिक जिसे बोलते हैं, उत्तरदायित्व का मतलब वो जिम्मेदारियां, उनका सिद्धांत, लोगों के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की, लोक उद्यम उपक्रम जिसे बोलते हैं, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इनकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, ये तो हमें पता ही था। अरे भाई, इनका क्या उद्देश्य होगा? इनका उद्देश्य होगा जन कल्याण। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा? जन कल्याण। ये तो काम करते हैं,
ये तो सामाजिक क्षेत्र में काम करते पीएससी, ये सोचे समाज को कैसे फायदा पहुंचाएगा। अब जो निजी क्षेत्र होगा, निजी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, इसका कार्य क्या हो, लाभ कमाना, यहां कठिनाई पैदा हो जा लाभ कमाना, क्योंकि एक प्रकार के पता कौन है, बिजनेसमैन, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो उस दिन ही कंपनी के पास ताला लगा था जाकर, ये सुनो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बेनिफिट होता चला जा रहा, इनकी मोनोपोली बढ़ती चला जाएगी। इन्हें भी समझाना चाहिए, तुम निजी क्षेत्र हो, तुम्हारे पास जो पैसा मौजूद है ना, वो तुम्हारे पास पैसा तुम बैंक से लेकर आए थे, समझ में, और बैंक के पास ना आम आदमियों का पैसा, और जब आम आदमियों का पैसा होगा तो जवाब देना होगा, समझ में बात है। अब भाई ये तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये तो कहते हैं कि हमारा कार्य जन कल्याण करना, बीएसएनएल कंपनी है, बीएसएनएल क्या कहते हैं इसका नाम, भारत संचार निगम लिमिटेड ये कंपनी भारत सरकार की, ये तो चाहती है आम आदमी को फायदा पहुंचा जा, इसलिए इसके रिचार्ज भी बहुत सस्ते हो, आए समझो। तुम्हारे पास किसी के पास सिम नहीं होगा बीएसएनएल का, मेरे पास सिम है लेकिन तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं होगा, मैंने जान बूझ कर ही दिया, आए समझ में, सुन लो ध्यान लगाकर। जो निजी क्षेत्र तो जो बीएसएनएल कंपनी जियो ना, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास सबके पास जियो होगा, जियो होगा नहीं होगा, और कभी जब जियो आया था ना 155 रुपये का रिचार्ज था, और मुझे तो इतना भी सुनने में आता कि इसने 3 महीने का रिचार्ज जब स्टार्टिंग में आता फ्री दिया था, फ्री में सिम मांगते थे, और आज ये ना तुम सर 799 रुपये ले रही रिचार्ज के, 3 महीने के रिचार्ज के लिए, यानी लगभग 800 रुपये, समझ दें, इसे कहते हैं बिजनेस। और नंबर वन की कंपनी आज पूरी और वर्ल्ड के अंदर ना बड़ी बड़ी कंपनी को टक्कर दे रही, बड़ी बड़ी कंपनी को टक्कर दे रही, आज देखो रिचार्ज कितना बढ़ा। लेकिन ये कंपनी ना ये यानी सोच रही आम आदमी की पहुंच से मोबाइल फोन दूर हो जाते होता चला जाएगा, अब इस तरह रिचार्ज बढ़ता चला गया, आम आदमी तक उसकी एक्सेस नहीं पहुंच पानेगी, क्योंकि कुछ भी ऐसे भी लोग जो आज तक वंचित मोबाइल फोन से, जिन्हें शकल भी ना देखी, समझ में, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ऐसे, समझ में आई बात है। जैसे तुम नॉर्थन साइड जाओगे तुम 8-10 राज्य उधर हो गए 8-10, तो बिहार में कुछ ऐसे लोग जिनके पास मोबाइल फोन तो बहुत दूर की बात, उनके घर गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची, भारत के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे गांव मौजूद है मोबाइल फोन तो बहुत दूर की बात है, सोच सकते हो। तो एक वीडियो देख रहा था मैं, उस वीडियो में ऐसे दिखा रहे थे जो बच्चे हैं ना पढ़ने के लिए 2 दिन पहले दूसरे गांव में जाते हैं पड़ोस के गांव में, तो वहां तो मोबाइल फोन चार्ज करके लेकर आते हैं, और उसमें ना चार्ज करने के बाद और चार्जिंग पर लगाते हैं और 2 दिन तक उसकी बैटरी चलाते हैं, सोच सकते हो कैसे पढ़ाई करते हो, कितना कठिनाई भरा जीवन। तो ये आम आदमी कंपनियां कर क्या रही हैं, कंपनी बताओ, कंपनियां कर क्या रही हैं, आम आदमी का शोषण नहीं कर रही है, जो रिचार्ज पहले उन्होंने इतना छोटा कर दिया था, तो इन पर लगाम नहीं लगानी चाहिए, लगाम ऐसे थोड़ा लगा सको, इन्हें अपनी जिम्मेदारियां भी तो समझनी चाहिए, जिम्मेदारियां समझना केवल बीएसएनएल कंपनी का काम नहीं है, जिम्मेदारी समझना इस जियो का भी काम, इस जियो को पता होना चाहिए तुम्हारे पास जो रोकड़ा आया है ना वो ना इन भारत की आम जनता का पैसा, तो तुम्हें इनके प्रति जिम्मेदार बने रहना होगा, इसी संदर्भ में कॉरपोरेट गवर्नेंस की संकल्पना विकसित हुई होगी। हेडिंग क्या बनाई, कॉरपोरेट जो गवर्नेंस उसकी महत्ता क्यों बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्स है, लिख लो क्या लिखा तुमने भी, लिखो लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लोक उपक्रम के साथ, लोक उपक्रम के राइट में पीएसयू लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लोक उपक्रम के साथ साथ लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लोक उपक्रम के साथ साथ निजी क्षेत्रीय कंपनियों में भी लागू किया जाए,
इतना बात होता, समझ में नहीं। उसके बाद अंतिम समय में आप यही बात कहोगे कि जो हमारे सुशासन हो ना और जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है, इसमें परस्पर संबंध है। अब सुशासन का अर्थ क्या हो बताओ? पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेह होनी, इसे सुशासन कहते हैं। लेकिन ये सारे काम प्रशासन के अंदर होना चाहिए, और यही काम यहाँ किसके अंदर होगा? कॉरपोरेट घरानों के अंदर होगा, निजी क्षेत्र के अंदर होगा। तो इन दोनों में परस्पर संबंध दिखाई देगा नहीं देगा? देखो अगला पॉइंट, सुशासन और कॉरपोरेट गवर्नेंस में पारस्परिक संबंध है। सुशासन और कॉरपोरेट गवर्नेंस, सुशासन और कॉरपोरेट गवर्नेंस में पारस्परिक संबंध है। मुरादाबाद को आने वाली दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन अभी 2 घंटे लेट है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी में 2 द्वार हैं, अगर खुल गए तो हरिद्वार है। क्या लिखा तुमने? लिखो निगमित शासन ने, निगमित शासन का मतलब कॉरपोरेट गवर्नेंस, निगमित शासन ने नए आर्थिक युग में, बेटे नए आर्थिक युग में बात कर लो उसके साथ, निगमित शासन ने, निगमित शासन ने नए आर्थिक युग में, निगमित शासन ने नए आर्थिक युग में पेशेवर गुणों पेशेवर गुणों गुणों के विकास के साथ, पेशेवर पहले लिख लो, अभी बता रहा हूँ। पेशे का मतलब रोजगार, हाँ पेशेवर ही तो है। अरे पैसे नहीं क्या है, हाँ जो बोर्ड पे लिखा हो लिख लो। देखो साहब, हाँ लिखने का दिक्कत हो रहा है। पेशेवर का तो समझते हो, व्यापार रोजगार क्या हो, हाँ तो बस पेशेवर गुणों, पेशेवर। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि पेशेवर ऐसा बनाओ, पेशेवर ऐसा, तो ये भी सही है, इसमें गलत क्या है? पेशेवर गुणों के विकास के साथ पारदर्शिता को लागू करने का प्रयास किया। पेशेवर गुणों के साथ पारदर्शिता को लागू करने का प्रयास किया। यानी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस था ना, इसने क्या करा? पेशेवर गुणों को विकास करा, पेशेवर गुणों, और आगे क्या लिखवाया? पेशेवर गुणों का विकास करा और पारदर्शिता को लागू करने का प्रयास करा। किसने करा? कॉरपोरेट गवर्नेंस ने, ये तो लिखा हुआ ठीक है। राज्य, उसके बाद नई लाइन से लिखना, एकदम झक्कास नई लाइन से।
राज्य का कर्तव्य है, अब देखो राज्य का क्या कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है उसकी, देख लो राज्य का कर्तव्य है अब राज्य का क्या कर्तव्य देख लो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब समझते हो जहां सरकारी क्षेत्र सब कुछ सरकारी हो, ठीक समझ में आया, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब चाहे पीडब्ल्यूडी वाले हो, चाहे वो तुम बिजली विभाग वाले हो, चाहे तुम बीएसएनएल वाले हो, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र होगा, राज्य का काम क्या, देश का सरकार का इसका काम क्या होगा, राज्य का काम क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, इन दोनों के भीतर, इन दोनों के ऐसा वातावरण तैयार करना जो नैतिकता से परिपूर्ण हो, किससे परिपूर्ण हो, किसके किसकी बात बता रहा हूँ, चाहे निजी क्षेत्र हो, तुम प्राइवेट कंपनी हो कोई बात नहीं, नैतिकता तुम्हारे दिल तुम्हारे भीतर भी है, सुधारो उसको, पाप चढ़ावा तुम्हारे, तुम कंपनी के मालिक हो, आम आदमी का शोषण करते हो, तुम दाम बढ़ाते हो, ये सोनू भाई जी 4,000 की पैंट खरीद के लेकर आते हैं, आज 400 रुपये की पैंट बेचा जा रही तुमसे, ये सुनो आम आदमी भी खरीद लेगा, गलत बात है ना, तुम 3,500-3,500 रुपये की शर्ट पहनते हो, 3,500 रुपये की शर्ट किस काम की है, 350 रुपये की शर्ट बेचो, ये सुनो देखो राज्य कर्तव्य है, राज्य कर्तव्य है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में, राज्य कर्तव्य है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में नैतिकता से परिपूर्ण वातावरण का विकास करें, नैतिकता से परिपूर्ण वातावरण का विकास करें, इतना बात बताओ समझ में आएगी नहीं है, और राज्य की जिम्मेदारी होगी, जो राज्य होगा वो सरकार होगी, इसकी जिम्मेदारी होगी, कलो चल ए चल कलो में चलो मान लो मैं कल ना पकौड़ी बनाने वाला हूँ, ठीक, और मेरी कंपनी का नाम SPL, इसका नाम सोनू पेंगोनिया लिमिटेड, पेंगोनिया लिमिटेड, ये नाम है मेरी कंपनी का, और मैं बहुत अच्छी पकौड़ी बनाता हूँ, और वो भी ठेला लगा के बनाता हूँ, बस एक कढ़ाई बस वही बस लगा आराम से, जबरदस्त पकौड़े बिक रही मेरी, कल को आई है के भी, अच्छा केटू भी, तो जो केटू भी आई ना, इन्होंने बराबर में आकर शोरूम खोल लिया, अच्छा शोरूम पकौड़ों का खोल लिया इन्होंने, सेम पकौड़ा शीशे में रख कर बेच रही, मेरे में बैठ पड़ेगा, लोग कहाँ जाएंगे, दुकान पर किसी प्रभाव पड़ा SPL पर, अब यहाँ देखो यहाँ तो साइड में, यहाँ तो K2V काजल भरनी का, उसके बाद यहाँ क्या था SPL, ये ठेले वाले बाबा ऐसे बने, ठीक है, यहाँ रख कर बेचे बेचे पकौड़े, और ये शीशे वाली दुकान में पकौड़े रख कर बेच रहे, ये शीशे वाली दुकान में पकौड़े रख कर बेच रहे, यहाँ पर चार दड़ी मैकअप करके जो के हैं, ये तो यहाँ बैठी हुई, अरे गले पकड़ी हुई सामने, समझ आई बात है, तो लो पता क्या रेट भी लगा रखे, स्क्रीन LCD चला रखी, कौन देखो मेरी SPL का कितना बड़ा ओड पिटने वाला, जब से मेरे बराबर में पकौड़ों का शोरूम आया ना, पकौड़ों वाला कैंटीन आई, तब तो मेरी SPL कंपनी को तबाह कर दिया, नहीं तो पकौड़े की जिस तरह सेल लगी हुई थी ना, लोग ने 2-2 किलोमीटर तक लाइन लगाया करते थे SPL की, इतना नाम था SPL का, और इन्होंने यही कंटेंट लाकर ना, यही कंटेंट लाकर मार्केट में लाकर 200 रुपये का बेचना स्टार्ट कर दिया, और मैं बेचता था 400 रुपये का, नुकसान की चीज किसे हुआ, बाद में चला जाए जो KK2 थी ना भी, ये विदेशी निवेशकों के साथ मिले गए थे, अभी जाऊँगा भारत सरकार के पास, आया समझ लो भारत सरकार के पास, तो भारत सरकार का नैतिक कर्तव्य होगा भारत के जो घरेलू उद्योग धंधे मेरे ठेले को बचाया जा सके, आया समझ लो।
भारत सरकार का मतलब राज्य का करते हुए होगा कि वो घरेलू उद्योग धंधों को ना जो कुटीर उद्योग छोटे छोटे उद्योग घर में भी पनपे हो कुछ उद्योग इन बचा जा सके संरक्षित करा जा सके ये भी राज्य का नैतिक कर्तव्य होगा। आया समझो इतनी बात बताओ समझ में इसे नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। इसकी एक बीवी थी दो बच्चे थे एक बीवी थी दो बच्चे थे और दोनों दोनों रोड पर चले आए बात समझ में आया चलो लिखो और देख लो मैंने इनकी दुकान बंद करवाने खाता है मैंने बाबा का तांत्रिक बाबा का भी सहारा लिया आया समझ तब भी इनकी दुकान बंद नहीं हुई इनकी दुकान पर टोटका भी करवाया मैंने सुबह को चलो चल पट ले चल ड्रामा मत कर लिखो क्या लिखा अब तक विकास करे तथा तथा काट दो साथ ही साथ छोटे उद्योगों का भी अस्तित्व बना रहे साथ ही साथ छोटे उद्योगों का भी अस्तित्व बना रहे छोटे उद्योग भी अस्तित्व बना रहे देखो समुद्र में गए हो कभी तैराकी करने या बड़ी मछली छोटी मछली ये जो बड़ी मछली है ना जो बड़ी मछली हो ये छोटी मछली को निगल जाती है बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है इतना मत बताओ समझ में ठीक इसे ना मत्स्य न्याय का सिद्धांत कहते हैं ये कठिनाई पैदा कर दे क्या हो जो गाँव के बड़े बड़े लोग हैं ना वे छोटे आदमी को खरीद लेते हैं छोटे आदमी खरीद लेते हैं सुनो ध्यान लगेगा छोटे आदमी खरीद लेते हैं लेकिन इसी तो मत्स्य न्याय का सिद्धांत कहते हैं मत्स्य न्याय का सिद्धांत मछलियों का न्याय यही तो हो रहा बड़ी मछली जिंदा क्यों रहेगी जब तक तो छोटी मछली को नहीं खाने की तब तक तो जिंदा रहने के लिए सॉरी इसी तो मत्स्य के बड़े वाले मछली के साथ न्याय होगा ऐसे बजब इसे बोलते हैं मत्स्य न्याय का सिद्धांत बड़ी मछली छोटी मछली क्या करती है निकल जाती है बड़े बड़े साहूकार साहूकार लोग पहले गांव में तुम पुराने नाटक भी देखोगे ना तो पुराने नाटक जब मैं देखता था बड़े अजीब थे मैं एक नाटक देखता था नाम था चिड़िया दा चंबा रात को आता था चिड़िया दा चंबा नाटक देखता था मैं इस तरह करके हाँ आज इस जगह सर्च करेंगे घर जाकर ठीक एक और देखता था मैं नाटक नन्ही सी कली मेरी लाडली ऐसे करके नाटक देखता था मैं और उसमें एक करके कोई सूर्या था लड़का और बुड्ढी थी उनकी कोई लव स्टोरी थी उसमें तो मुझे देखने की आदत थी तुमने देखा होगा और एक नाटक देखता था भूमिका नाटक देखता था रात को आता था डी डी रहसल को मुझे बहुत शौक था कि चैनल था हमारे यहाँ वो भी झूझू करके चलता था एक एंटीना करके ऊपर खड़ा होता था मैं नीचे देखता था एक न्यूज़ का एक नाटक मेरा बहुत फेवरेट रहा होगा उसे तो मैं अभी देख लेता हूँ उसका नाम है हाकिम सिकंदर ठीक उसकी तो मेरे पोएम भी याद है मैं बच्चों को सुनाता भी हूँ अच्छा हम अक्कड़ भी हैं फक्कड़ भी बोल बना ले सूरज की लंग डाले चांद में भी यादों का मोहल्ला है कहाँ ख्वाबों का मंजर है यादों का मोहल्ला है यहाँ के हम सिकंदर है कुछ इस तरह करके कविता थी मैंने पूरी तुम्हें सुनाई भी
ए तो उनमें नाटक में क्या पता क्या हुआ करता था, उन नाटक की खास बात थी, उसमें ना एक मुनीम हुआ करता था, एक साहूकार हुआ करता था ऐसे ऐसे नाटकों में। और एक सबसे मेरा बेस्ट नाटक था वो मेरा याद आया, डीडी नेशनल पर दोपहर में आता था, सोमवार को भी आता था, सोमवार से शुक्रवार हर रात 9 बजे ऐसे बोलूँ सोमवार से शुक्रवार हर रात 9 बजे तुम देना साथ मेरा, लड़की उस लड़की उसमें अंधी थी ऐसे बोलूँ, लड़की लड़की का नाम था, लड़के का नाम था समर और लड़की का नाम था सिमरन शायद, हाँ वो लड़की अंधी थी और लड़का था गूंगा, ठीक। तो तुम देखना कभी मौका मिले जीवन काल, मतलब मुझे उस नाटक से मैंने बहुत सीखा। हे उस नाटक की खास बात क्या थी, उसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। हे तो ये जो पुराने नाटक हुआ करते थे ना, मैं उन सभी नाटकों में एक ही कॉमन चीज देखा करता था, उसमें गांव का एक साहूकार हुआ करता था। हे उन गांव नाटकों में गांव का साहूकार हुआ करता था, जो बड़ा साहूकार हुआ करता था ना, छोटे छोटे लोगों को बुलाकर उसे पैसे दिया करता था, जो उनके पैसे नहीं हुआ करते थे ना, उसे अपने घर में काम करा करता था, उनको लात मारा करता था, ये करता करता था, ये करा करता था। ये सुन लो पुराने नाटकों की खास बात थी। तो ये ना जो साहूकार थे, ये थी बड़ी मछली, ये छोटी मछली का शोषण किया करती थी। क्या किया करती थी? शोषण किया करती थी। जो बड़ी मछली हो छोटी मछली को निगल जाया करती थी, ये मत्स्य न्याय का सिद्धांत हो आया समझ लो। लेकिन उनके साथ तो अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? तो मत्स्य न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। बट जो बड़ी मछली है ना, वह छोटी मछली को नहीं खानी चाहिए, ये चाहते हैं। समझ में आ बात है? अमीर अमीर नहीं बनना चाहिए, समझ ये बात है? अमीर अमीर बन जाने में कोई दिक्कत नहीं है, गरीब अमीर बनना चाहिए। यू न्याय कि जो अमीर है वो अमीर ही बना रहेगा हमेशा हमेशा, और छोटी 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 मछलियों का शोषण करता रहेगा। समझ में आई बात है? तो मत्स्य न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होना देना चाहते। तो क्या कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर मत्स्य न्याय का सिद्धांत लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज प्रतिस्पर्धा का युग है, नहीं कंपटीशन का युग। तो प्रतिस्पर्धा के युग में भले तुम कंपटीशन बढ़ते चले जा रहे हो, लेकिन नैतिक मूल्य इनके अंदर आज भी विकसित होने चाहिए, निजी क्षेत्र के अंदर, हम ये चाहते हैं। इसलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस लाया गया। इसलिए हम जब नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, वहां हम यही तो पढ़ने वाले, कॉरपोरेट गवर्नेंस एथिक्स, यहां से ले उसमें चला जाएगा। हिंदी में कहते हैं निगमित शासन नैतिकता, यह सवाल पूछ रहा हूं उसे लेगा कि जो शासन है उसके अंदर नैतिकता कैसे होनी चाहिए। आज तुम किसी कंपनी के अंदर चले जाओ, चौथे फेवर जोड़ रहा हूँ सर, किसी कंपनी के अंदर चले जाओ, HR से बात करो उसकी, या कोई MDO का उससे बात करो, किसी बड़ी पोस्ट वाले से बात करोगे ना, और तुम पता लग जाएगा तुम लेबर क्लास में हो तुम इससे बात नहीं करने का, चल बाहर जाओ, तुम गेट नौकर के आना चाहिए था तुमको, ऐसे आते हैं, तुमने ऐसे नहीं बोला। उसके दिमाग में ना कोई भूल जाता, ये कंपनी इस श्रमिक के बिना चल नहीं सकती, उसके अंदर नैतिकता नहीं है। आज बात करी जा रही इसकी, वर्चस्व दिखाई दे रहा है। तो बात हुई कॉरपोरेट गवर्नेंस एथिक्स की, बात कर रहे थे हम, जो बहुत पहले तो होना चाहिए था। बच्चों को क्या सिखाया जा, बच्चा आगा घर में, कोई आया पहले हाथ जोड़कर नमस्ते क्या करते थे, हमारे कल्चर की बात बता रहा हूँ, आज बस जीजू नमस्ते, अच्छा बैठ जाओ, कोई मतलब ही नहीं है, हाथ जोड़कर नमस्ते क्या करते थे हमारे टाइम पर, लड़की भी लड़के भी। आज बता दो कौन सी लड़की हाथ जोड़ रही, आए समझ लो जो दो चार लड़कियाँ हो मैंने देखा रास्ते में, जो बहुत अंदर तक रेस्पेक्ट करती है वो हाथ जोड़कर नमस्ते करेगी, सही बात है। इनकी बात बता रहा हूँ, कल परसों घर के सामने तो घर गए, हंस कैसे निकल गई, नमस्ते आया समझ, अभी बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना चित्र की। तो लड़की जो असली ओरिजिनल हाथ जोड़कर नमस्ते करती है, हुआ ऐसा संस्कार, आज बात करी जा रही है इसकी, इसका अभाव हो सुन लो और सुनो, इतना ही नहीं किसी डॉक्टर, मैडम चुप हो जाओ सुन लो, आजकल किसी डॉक्टर को देख लो, कर रखी तुमने MBBS, कोई पेशेंट आया तुम्हारे पास, कैसे आजकल क्लास में मेडिकल एथिक्स पढ़ा जा, उसे कैसे हैंडल करना ना वो बताया जाएगा, उसे कैसे देखना उसे मरीज को, आया और उसने कुछ कह दिया, पैसे कम थे दे नहीं पाए, इलाज नहीं करने के, उसकी मृत्यु होगी बिना पैसे के। तो मेडिकल एथिक्स की बात चल रही है आजकल, कि नैतिकता के कारण उसके पास पैसा था या नहीं था, तो
तुम्हें उसे बचाना ही होगा। तुम भले ही प्राइवेट डॉक्टर हो, वो कहता है कि मैं एडमिट नहीं करने वाला, उसको तड़प तड़प को ही दम तोड़ दिया बिना पैसे के। क्यों हुआ दम? इसलिए टूट गया क्योंकि मेडिकल एथिक्स नहीं आता ना। क्लास में तो यही सिखाया गया बस, ऐसे विकी दिया करके दवाई बन जाएगी, ऐसे इलाज करोगे। इलाज के साथ साथ नैतिकवान नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए उसके अंदर, वो कभी नहीं सिखाया गया। आया समझ में? अब परिवार, ये तो मैं मेडिकल एथिक्स के अंदर मूल्यों की बात बता रहा हूँ, अब थोड़ा परिवार के अंदर आ जाओ। अब परिवार में किसी कैंडिडेट को किसी ने कुछ कह दिया तो क्या करोगे? 20 दिन मुंह बना गुम हो जाओगे, समझना ही बात है। घर का खाना पीना छोड़ दोगे, होता नहीं होता? कह दिया तो ये क्या हो? ये पारिवारिक मूल्य तो हो, परिवार को कैसे चलाना कैसे बनाना उनका भाव, ये तो परिवार टूटता पाए जा, ये पारिवारिक मूल्य हो सारे एथिक्स से पढ़ने वाले हैं। आया समझ में? तो आजकल ना मूल्यों का भाव, तो बड़ी बड़ी मछली ने यहाँ छोटी मछलियों को खा जाती है, तो हम नहीं जाते बड़ी मछली छोटी मछली को खा जा। मत्स्य न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होना चाहिए, समझ में आया? चलो, प्रतिस्पर्धा का युग हो भले ही, लेकिन नैतिकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। चलो लिखो, क्या लिखे हो तुम लोग? ताकि मत्स्य न्याय का सिद्धांत लागू नहीं हो सके, ताकि मत्स्य न्याय का सिद्धांत लागू न होने पाए। तुम देना साथ मेरा, ये लाइन थी उस गाने की, आंखों को प्यारे लगते हैं, आंखों को प्यारे लगते हैं। आए थे मेरे गली मान में, क्या लिखा? मत्स्य न्याय का सिद्धांत लागू न होने पाए तथा प्रतिस्पर्धा के युग में नैतिक मूल्य बने रहे। नहीं तो प्रतिस्पर्धा के युग में नैतिक मूल्य बने रहे। तमीज नहीं है ना, पढ़ लिख के वैसे ऐसी बातें करते हैं। आज भी इनके अंदर जेंडर इक्वालिटी नहीं है। मैं देखना चाह रहा तुम किस तरह हंसोगे। हाँ इतना बात बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस था ना, ये आज हमारा समाप्त हुआ। ठीक, यहाँ कॉरपोरेट गवर्नेंस की क्लास रोकी जा रही, लेकिन अभी नहीं, पहले मुझे मेन से क्वेश्चन लिखवा देने चाहिए इसके प्रति, ऐसे मैं चाह रहा हूँ। अब पर्सन भी लिख लो, मैडम बकवास मत करो, चुपचाप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस से आपका क्या आशय है? आपका यूं मुस्कुराना गजब ढा गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आपका क्या आशय है? आशय है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आपका क्या आशय है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आपका क्या आशय है? वर्तमान समय में, वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कैसे बढ़ रही है? कैसे बढ़ रही है समझाइए।
कर ले जाओगे इसका प्रश्न का उत्तर? कैसे करोगे? उत्तर देख लो। नंबर फर्स्ट, पहले कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस होगा ना, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा कि क्या लिखोगे परिभाषा, ये तो लिखोगे। वो कितने 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 लाइन में दे दोगे? लगभग दो या तीन लाइन में, तीन लाइन में लगभग इसी परिभाषा लिख दोगे, ठीक। अगली हेडिंग क्या बनाओगे? अगली हेडिंग बनाओगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्तमान समय में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की महत्ता का कारण, ऐसे लिखोगे। वर्तमान दूसरा पार्ट में क्या लिखोगे? दूसरे पार्ट में वर्तमान समय में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की महत्ता, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, छह सात पॉइंट लिख डालते हैं इसके अंदर। 150 शब्द लिखना क्वेश्चन में, 150 वर्ड में क्वेश्चन लिखना। उसके बाद प्रश्न नंबर दो उतार लेना, प्रश्न नहीं हो, प्रश्न नंबर दो प्रश्न नंबर दो निगमित शासन एवं सुशासन परस्पर संबंधित है, समझाइए। निगमित शासन एवं सुशासन परस्पर संबंधित है, समझाइए। एक सौ पचास शब्द। उत्तर कैसे चलेगा? उत्तर देख लो। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये समझाओगे निगमित शासन किसे कहते हैं, निगमित शासन की परिभाषा। उत्तर चेक करूंगा इसका, याद रखना। दूसरे पैरा में समझाओगे, उसके बाद सुशासन की परिभाषा। और थर्ड पैरा में थोड़ा बनाओगे, ठीक। ये लिखोगे परिभाषा लिखने के बाद, सुन लो ध्यान से, निगमित शासन और सुशासन की परिभाषा। अब सुशासन क्या हो? सुशासन का क्या काम है? प्रशासन के अंदर ना जवाबदेहिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए। लेकिन ऐसा होना चाहिए प्रशासन के अंदर जो कार्य निगमित शासन प्रशासन के अंदर जो अगर प्रशासन के अंदर पारदर्शिता होगी, जवाबदेहिता होगी और खुलापन होगा उसके कार्य का कामकाज के अंदर, तो क्या कहलाएगा? सुशासन। ये वैसे सुशासन कहलाती है, ठीक। लेकिन वही कार्य इसमें क्या होगा? इसमें कार्य बिल्कुल सेम होगा, ठीक। जोड़ते हुए लिखेंगे आगे, इसी प्रकार पहले तो इसके सुशासन के बारे में लिखा जाए। इसी प्रकार जो कार्य सुशासन के अंदर, सुशासन में जो कार्य किसके लिए होता है? प्रशासन के लिए होता है। वही कार्य है कॉर्पोरेट के लिए होता है, कॉर्पोरेट के लिए, इसे निगमित शासन कहते हैं। इस प्रकार दोनों परस्पर संबंधित है, समझ की बात है। फिर इसकी महत्ता बताओगे, मतलब इन दोनों पैरों को ना तुम इंटरलिंकिंग करना। जो काम इसका होगा ना निगमित शासन का काम होगा, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम होगा प्राइवेट के अंदर, और ये इसका काम किसका होगा? प्रशासन के अंदर ही तो होगा। उसके बाद थर्ड पैरे में दोनों को इंटरलिंकिंग कर दोगे ना, ठीक। लिखने के बाद चौथे नंबर के पॉइंट में जो परस्पर संबंधित है, और लास्ट में जाकर समझाओगे, क्या समझाओगे? कि जो निगमित शासन है उसकी महत्ता समझा देना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ उसकी थोड़ी सी महत्ता बता दियो। अब महत्ता नहीं बता सकते, जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा रखा ना मैंने, लास्ट वाला पॉइंट लिखवाया हो चौथे नंबर का पॉइंट, उस चौथे नंबर के पॉइंट को यहाँ पूरा डाल दियो। समझ में आया बात? यह इसका फॉर्मेटिंग कर लो, कैसे कैसे लिखना क्वेश्चन का उत्तर, जो हार्ड सबसे हार्ड क्वेश्चन बनने लगा पेपर क्वेश्चन आएगा। चौथा पॉइंट लिखा जो सबसे लास्ट का पॉइंट लिखवाएगा तुम महत्ता वाले, वो पूरा पॉइंट उतार देना इसके अंदर।
सत्यम घोटाले में 2015 में सवाल आ रखा है, सत्यम कंपनी का घोटाला 2015 में सवाल आ रखा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सवाल नहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं ना। कॉर्पोरेट इसके बाद हम ई गवर्नेंस ही पढ़ने वाले, इसके बाद हम ई गवर्नेंस भी पहले सिटीजन चार्टर पढ़ने वाले। सिटीजन चार्टर से सवाल आया हुआ, सिटीजन चार्टर क्या चीज़ हो पढ़ने वाले, नया टॉपिक होगा वो होगा कल की क्लास में।